तू गलत सोच रहा भाई, और क्या लग रहा हूँ मैं यार, सही है। सर आप तो एक्सप्लेन कर देते हैं अच्छे से। मैं बोला ना, मैं हर नेगेटिव चीज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखो एग्जांपल के लिए, एक साल कम हो गया ना आपके, जैसे एग्जाम आ रहा है आपके पास, एक महीने था फिर सडनली 15 डेज हो गया, तो आपके पास वर्कलोड बढ़ा ना, तो लाइफ से एक साल कम हुआ ना अभी, समझो आप। अभी भी नहीं समझ में आया, देखा हम कितने गधे हैं। देखो नहीं सर समझ में आ गया। पेपर कैसा था? हाउ इज द पेपर? बोलो ना। अच्छा था। कोई रिएक्शन ही नहीं है। गजब था सर, गजब। बेटा ये जो पेपर है ना, ये आईएससी बैंगलोर के प्रोफेसर को दे दूंगा ना तो रो देगा वो। आपको मानना है तो मानो, अदरवाइज एंजॉय। मान गए सर, फिर तो अच्छा किया हमने। अब देखो, टेस्ट डिस्कशन अगली क्लास में होगा, लेकिन मैं बोला लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ योर टेस्ट पेपर। कौन सा सॉल्व कर रहे हैं? ये सबसे इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, कौन सा बताओ जल्दी। 14। अरे थोड़ा ढंग से इंटरेक्ट करो ना, क्योंकि मैं 14 को क्यों सॉल्व करा रहा हूं, बिकॉज हम डायोड रिसेंटली पढ़े हुए हैं। क्वेश्चन में किसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है? डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में साइड में डिस्कशन किया हुआ है। दिस इज प्लस माइनस, ओके। एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ये स्मॉल वी होना चाहिए, स्मॉल वी डी। समझ में आया स्मॉल वी क्यों लिखा हुआ है? और ये क्या हो गया, नाराज हो क्या? 3 दिन क्लास नहीं लिए सर आप, ऐसे करके इस बात से नाराज होंगे बहुत लोग। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? व्हाट इज वी एस बराबर? व्हाट इज वी एस बराबर? वो गिवन है, ओमेगा टी, इतना ही गिवन है। डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है बताओ। फॉरवर्ड बायस। क्या हुआ, आवाज क्यों नहीं आ रही है, जोर से बोलो ना। फॉरवर्ड बायस। नॉन लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है क्या डायोड का? यस सर, नॉन लीनियर दिया। एक मिनट, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है आवाज क्यों कम आ रहा है, इधर से देखता हूं मैं। बोलो कुछ, बोलो। यस सर। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ए भगत सिंह, क्लास में भगत सिंह बनने का नहीं बता दियो, ठीक है? भारत माता की जय बोलने लगा तो करो ना अंदर से, वो तो अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। ओके, आई स्मॉल डी कैपिटल इज इन मिली एम्पियर, ऐसा दिया हुआ है। और एक कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, और ये कैरेक्टरिस्टिक गिवन है अभी, दिस इज 0.5 वोल्टेज है, ऑब्वियसली वीडी लिखा हुआ है, वीडी इन वोल्ट्स। यहां पे ना ये आई कैपिटल है, आप क्वेश्चन पे आई कैपिटल देना चाहिए था। यहां तक कहीं पे वैल्यूज गिवन है क्या? कोई स्टूडेंट नहीं है जो बात कर सकता है? यस सर, 0.7 वोल्ट। और इधर कितना गिवन है? 4 मिली एम्पीयर। व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द डायोड फ्रॉम कंपैरिजन? देखो यही है थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द डायोड, तो दैट इज नथिंग बट थ्रेशोल्ड वोल्टेज, फायरिंग वोल्टेज, कट इन वोल्टेज गिवन मी टू एस। अच्छा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? दिस स्लोप ऑफ दिस लाइन इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। यस सर। डायोड का फॉर्ड बेस रेजिस्टेंस, कॉपी में डेरिवेशन कराया इसका, क्योंकि आई वर्सेस वी कैरेक्टरिस्टिक था, तो चेंज इन दैट वन डिवाइड बाय दिस, तो आ गया ये, आ गया चेंज इन करंट इज नथिंग बट 4 मिली एम्पियर, एंड चेंज इन वोल्टेज इज नथिंग बट 0.2 वोल्ट। व्हाट इज आरएफ? टेल मी द वैल्यू ऑफ आरएफ। डायोड का फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस कितना आया? 200/4 इज नथिंग बट 50 ओम आ रहा है क्या? यस सर।
मतलब देखो ध्यान से, मैं बार 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 कह रहा हूं ना, ये डायोड है, डायोड का इक्विवेलेंट मॉडल देखो, डायोड का इक्विवेलेंट मॉडल अंडर फॉर्ड बैस इज रिप्लेस्ड बाय अ थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड इन सीरीज विद अ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड. नाउ फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड वी हैव इवैल्यूएटेड एज 50 ओम एंड थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द डायोड वी हैव गॉट फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स एज 0.5 वोल्ट. समझ में आया क्या इतना? यस सर. यस सर. ये इंटरेस्टिंग बात है. ये देखो मैंने कितने बार बोला था कि बेटा ये वाला जो डीसी मॉडल है, ये डीसी एनालिसिस है. अब हम एक बार एसी करेंगे और एक बार क्या करेंगे? डीसी. आप बोल सकते हो इसको दिस इज द डीसी इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ द डायोड. मैं बता रहा हूं मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट न्यूमेरिकल सिर्फ यही है, मेरी लाइफ का अब तक का. फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस के बारे में बेटा पूरी दुनिया जानती है, लेकिन इसको जिस दिन मैं किसी फैकल्टी को दे दिया ना, वो ईटा ढूंढने लग जाएगा. मैं कैसे बताऊं आपको कि मैं कौन हूं? आप जान नहीं सकते मेरे को. आप पूरी जिंदगी में मेरे से पढ़ते रहोगे ना इलेक्ट्रॉनिक्स, तो भी बोलोगे सर कैसे इतना कर लिया आपने करके. तो मैं बार 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 कह रहा हूं इसको लाइटली मत लो. ये वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूमेरिकल है एवर इन द हिस्ट्री ऑफ डायोड, क्योंकि इसमें ना बंदा कर ही नहीं सकता कुछ भी अगर वो मेरे को नहीं पढ़ा है तो. देखो ध्यान से, मैंने आपको कई बार बताया था कि बेटा डायोड का ये जो है ना, ये वाला मॉडल ये डीसी मॉडल है. डायोड का ये जो है वो डीसी मॉडल है, और वो डीसी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? 2 वोल्ट की वीएस. 2 वोल्ट डायोड के डीसी मॉडल के लिए 2 वोल्ट रेस्पॉन्सिबल है, न कि वीएस रेस्पॉन्सिबल है. अब आप लिखो डीसी एनालिसिस ऑफ द सर्किट. लिखो डीसी एनालिसिस ऑफ द सर्किट. डीसी एनालिसिस ऑफ द सर्किट. तो एसी सोर्स क्या होगा? अगर हम डीसी एनालिसिस करना चाहते हैं तो उस टाइम पे एसी को क्या करोगे? नेग्लेक्ट एसी. यस सर. कभी ना कभी हमने फिजिक्स में सुपरपोजिशन का नाम सुना होगा. एक को लो, दूसरे को स्किप करो, दूसरे को लो, पहले को स्किप करो. तो अगर हम डीसी एनालिसिस करेंगे, मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा दे रहा हूं, इस बात को समझ लो आप. तो सर अच्छा, डीसी वोल्टेज सोर्स चला गया, एसी चला गया, अभी वोल्टेज सोर्स हट गया तो बचा क्या? आप सिर्फ 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, ये 100 ओम और ये 100 ओम. अभी रिसेंटली हमने आपको रिसेंटली डायोड का डीसी मॉडल बताया था. तो जब डायोड का डीसी मॉडल बताया था तो मैं आगे पीछे कर सकता हूं. मैं रेजिस्टेंस को ऊपर बना सकता हूं और वोल्टेज सोर्स को नीचे बना सकता हूं. और ये जो येलो कलर से बनाया वो क्या है मेरे पास? डायोड का डीसी इक्विवेलेंट मॉडल. डायोड का डीसी इक्विवेलेंट मॉडल, ठीक है. आप जानते हो जब डीसी डीसी बता रहे हो तो ये कैपिटल आईडी आएगा, सब डीसी, और ये क्या आएगा यहां से लेकर यहां तक? डायोड है, ये पूरा डायोड है, तो कैपिटल वी और कैपिटल डी, पूरा का पूरा डीसी एनालिसिस देख सकते हो आप. दिस इज 100 ओम, दिस इज 100 ओम, एंड व्हाट वी आर इन नीड ऑफ कैलकुलेशन, ये तो 50 ओम फाइंड आउट किया था रिसेंटली, और ये वाला वोल्टेज कितना है? 0.5. देखो नोडल अप्लाई करेंगे तो बड़ा मजा आएगा. अगर आप भूल गए हो तो रिपीटेशन लेक्चर को देखो. सर नोडल अप्लाई करेंगे तो नीचे ग्राउंड लेना जरूरी हो जाता है. नोडल के लिए एक रेफरेंस नोड चाहिए. नेक्स्ट. सो ये वाला पोटेंशियल मैं नहीं जानता, एंड नहीं जानता का मतलब है ए वोल्टेज मान लेता हूं मैं, ए वोल्टेज. इतना वोल्टेज वीडी वोल्टेज है. ओके इतना वोल्टेज वीडी वोल्टेज है, क्या इसको वीडी लिख सकता हूं? बोलो ना. यस सर. यस सर. क्या बच्चे मिले हैं यार मेरे को, पता है घटिया इंटरेक्शन. छी छी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शिट. अरे कौन सी दुनिया में हो, शिट पूरी दुनिया बोलती है. आप गुलशन सर से इंग्लिश पढ़ रहे हो, मतलब शशि थरूर भी फेल है. नेस्टी. हाँ नेस्टी मतलब चीची, गंदे लोग, आप सब गंदे लोग. मैं बोला इतना पूरा VA है तो इतना भी तो पूरा VD है, तो VA बराबर VD बोल सकते हो क्या? यस सर. तो VD ही ले लो, इट्स अप टू यू.
ठीक है। यहाँ पे नोडल अप्लाई कर लो। अगर सर आपको मेश एनालिसिस अप्लाई करना है तो अरे जो अप्लाई करना है करो, हम गुलशन सर के स्टूडेंट ऐसा खुद को फील कर सकते हैं। सर यहाँ पे I1 ले लो, यहाँ पे आप I2 ले लो, और I2 ही मेरा आंसर है क्योंकि I2 इज सेम एज ID। इट डिपेंड्स, मैं बोल रहा हूँ नोडल एनालिसिस से आप बाद में करना, मैं मेश एनालिसिस अप्लाई करके एक बार एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, और प्लीज एक्सप्रेशन को पूरा क्लास ध्यान से देखेगा। -2 भूल जाओ, तो 2 = यहाँ पे आ गया 100। सर यहाँ पे आपने स्मॉल लिया है, अरे मेरी मर्जी, मैं कुछ भी लूं, मेरे को स्मॉल अल्फाबेट से पहले ही प्यार है, आपको बताया था मैंने। तो 2 = 100 × I, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे टोटल करंट कितना है 100, हम I1 के फेवर में मूव करेंगे और I2 हमारे अपोज में मूव करेगा, जैसे BJP सबको अपोज करने लग रहा है आजकल, है ना, नहीं समझे? Yes, sir. उसका काम ही अपोज करना, हमारा देश आगे जा रहा है, नहीं रुक 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 पीछे अभी। मैं कंपेयर कर रहा था मोदी जी को लाल बहादुर शास्त्री से, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया, मैं बोला छोड़ भाई रहने दे, आ जाओ इधर, क्योंकि बचपन में हमें हमारे फादर ने एक ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के बारे में बताया था, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बोलते थे उन्हीं के जैसे बनना, उन्हीं के जैसे बनना करके। आ जाओ यहाँ पे, अभी यहाँ पे अप्लाई करो, इधर से अप्लाई कर रहा हूँ मैं, यहाँ से जा रहा हूँ। क्या मिला मेरे को? 50 × बोलो दोस्तों I2। यहाँ पे आ गया +0.5, ओके I2 बराबर ID है, ये अपने को दिखता है। अब यहाँ पे जाता हूँ, I am in favor of I2 oppose of I1 = 0, solve for only I2 where I2 is equal to, मैंने बोल, देखो मैंने जानबूझ के स्मॉल लिखा था, क्योंकि बेटा बचपन से हम जो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पढ़ते थे ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई पढ़ते थे, तो वो अब आदत से मजबूर, इसीलिए स्मॉल यहाँ पे लिखा है। लेकिन आपको पता है स्मॉल नहीं लेना चाहिए, कैपिटल लेना चाहिए, लेकिन हम स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कहते थे, तो वही स्मॉल I1 स्मॉल I2 लिखा हूं। तो ये मेरे को बताओगे, पूरा क्लास बताएगा, एंड इट शुड बी इन मिली एम्पियर। चलो ना करो ना जल्दी, चाय पी लो दोस्तों, देखो पक्का 5 आ रहा है? Yes, sir. Okay, good. So you should be good in calculation. 5 mA. ये हमारा DC करंट है, मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? Yes, sir. DC करंट बेटा, DC एनालिसिस करोगे तो DC करंट निकलेगा, यहां तक तो दुनिया कर डालेगी अगर मैं मान लेता हूं तो। लेकिन अगर मैंने नहीं पढ़ाया है ना, वो नहीं कर सकता आगे। IIC बैंगलोर के प्रोफेसर की बात कर रहे हो, वो भी क्या भाड़ में, आ जाओ इधर, चाय देना यार। क्या क्या हो गया भाई तुझे, क्या हो गया, गधा है क्या ये? आगे चलें अभी? Yes, sir. वो जो बोल रहा था वो लड़का था कि लड़की थी? लड़का। फिर मैं बोलूं मेरे को डाउट है तो? देखो इधर आते रहेंगे लोग तो डिस्टर्ब करने के लिए, अपने को डिस्टर्ब होना है क्या लाइफ में, बताओ? No, sir. आओ और जाओ। ओके पता है लोग ऐसे क्यों आते हैं? क्योंकि वो आपसे जेलस करते हैं, ठीक है। आ जाओ इधर, करंट कितना आया? करंट कितना आया? 5 क्या? 5 mA। और ये मेरे को अपना VDB निकाल के बताओगे, देखो यहाँ पे डायोड का, इसको देखो, यहां से लेकर यहां तक का VDB फाइंड आउट करना है मेरे को। VD बराबर कितना आएगा चेक करो बेटा, 5 mA into resistance कितना था? 50 + 0.5। चलो चलो जल्दी बताओ अभी। 20.5 कितना बेटा?
डायोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है? 0.75 सही है इतना? यस सर। डीसी एनालिसिस तो खत्म हो गया, अगर वीडी और आईडी पूछता तो ये आंसर आता। ओके 4 मिली एम्पियर ठीक है, 5 मिली एम्पियर कहां पे आएगा और 0.75 कहां पे आएगा? इस कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा एक्सटेंड करो, ध्यान से देखो, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सटेंड कर दिया। अभी हमारा जो पॉइंट आया था वो कितना आया था? 5 मिली एम्पियर। इट विल बी समवेयर अराउंड हियर। What is this current? It's bit greater than 4 milliampere and we need to mark it out as 5 milliampere. और ये वाला voltage कितना आया? 0.75 volt. 0.75 तो मैंने कभी नहीं बोला आज तक। 0.75. हाँ तो mathematically you should be good regarding communication skill. इसका नाम बताया था मैंने आपको। इसी क्यू पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाओगे तो डायनामिक रेजिस्टेंस निकलेगा, जिसको इंक्रीमेंटल रेजिस्टेंस बोला था मैंने। इसी क्यू पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो, याद करो पिछला क्लास, इसी क्यू पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बनाते हो तो क्या लिखेगा आप, क्या मिलेगा आपको? डायनामिक रेजिस्टेंस। यस सर। Yes, sir. Q point पे tangent बना दो, क्या फर्क पड़ा? Resistance में same resistance आएगा क्या? Yes, sir. देखो मैं tangent बना के आपको बताता हूँ। Tangent, we are going to draw the tangent and that should be represented by using this. Let's suppose like this. इसी Q point पे अगर आप tangent बनाओगे तो ऐसे ही तो बनाओगे, और कैसे बना सकते हो? और कोई possibility है क्या tangent बनाने की? Q point पे tangent बनाना है, that's it. यहाँ पे VD fluctuate कर रहा है, करंट इधर फ्लक्चुएट करेगा, जो मैंने आपको ग्राफिकली बताया था, नीचे साइन वेव फ्लक्चुएट कर रहा था, इधर फिर आईडी फ्लक्चुएट कर रहा था, फिर उसी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट बनाया था, तो इतना एनालिसिस बार-बार थोड़ी ना करूंगा। तो इस टेंजेंट का जो रेजिस्टेंस निकलेगा वही बोलोगे आर ए सी, करेक्ट इतना? यस सर। तो वो इस सेम रेजिस्टेंस आएगा, बट मैं बोल रहा हूँ एक बार ऐसे करो तो 0.05 डिवाइड बाई 1 मिली एम्पियर। देखो बेटा ऐसा बोला मैंने 0.05 वोल्ट डिवाइड बाई 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर कितना आ रही है? 50 ही आना चाहिए। यस सर। 50 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये वाला भी लाइन वही था, ये वाला भी लाइन वही था, ये वाला भी लाइन वही था, सेम लाइन। व्हाट इज द डायनेमिक रेजिस्टेंस नाउ? 50 ओम। अगर आप डायनेमिक सोचो बेटा, डायनेमिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखा था मैंने डिराइव करके, eta vt by i, करेक्ट इतना? यस सर। यस सर। अगर कोई प्रोफेसर या कोई भी बंदा, कोई भी टीचर अगर इसको यूज करना चाह रहा है तो वो eta ढूंढने लग जाएगा, eta for 2 की 1 ऐसा ढूंढने लग जाएगा, लगेगा कि नहीं ढूंढने, बताओ? यस सर। अब ना वो सिलिकॉन है ना वो जर्मेनियम है, समझ में नहीं आ रहा eta क्या है, तो इसलिए देखो कि आर ए सी फॉर्मूले से ये है, लेकिन क्यू पॉइंट से कैलकुलेट करना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपके लिए वो हो गया, वो जो डेरिवेशन था और ये जो न्यूमेरिकल था, दोनों को आप क्लब करके पढ़ोगे तो आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। अब क्या कर रहा हूं, अब लिखो एसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस, एसी एनालिसिस। व्हेन यू आर गोइंग टू कंसीडर एसी एनालिसिस, व्हाट अबाउट डीसी? नेगलेक्ट। तो ये वाला सोर्स अभी नेगलेक्ट हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे एक ही वोल्टेज सोर्स दिखाई दिया आपने को, जिसका नाम क्या था? ओनली एंड ओनली कॉस ऑफ ओमेगा टी बचा था क्या? कितना इनपुट था? यस सर। हाँ, वी एस इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये भी रेजिस्टेंस और ये भी रेजिस्टेंस हो गया इतना। दिस इज 100 ओम, दिस इज 100 ओम। And what about the AC equivalent of the diode? Under AC equivalent of the diode, now diode is replaced by AC resistance, incremental resistance. This is RAC or dynamic resistance or else incremental resistance. कितना आया था ये?
50 ओम। यहाँ पे अगर आप एसी में ये सोच रहे होगे कि डायोड का थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहाँ चला गया, तो ये आप आराम से सोचते रहो, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले डीसी दोगे तब तो जाके एसी दोगे। तो डायोड ऑन हो चुका है, देखो डायोड ऑन हो चुका है। अब ऑन होने के फर्दर का जो प्रोसेस है वो कर रहे हैं हम अभी एसी एनालिसिस में। ऑन तो वो है ही बस। तो आपको क्या पूछा है, करंट पूछा है कि वोल्टेज पूछा है? करंट पूछा है। हाँ, और ये वी स्मॉल डी स्मॉल दोनों सब के सब स्मॉल कैसे हो गए बेटा? एसी, क्योंकि एसी है वो वाला, करंट निकालना है। अगर आप इस करंट को निकालना चाहते हो तो देखो क्या करना है आपको, यू हैव टू कैलकुलेट 100 और 50 किस में बताओ? पैरेलल। तो जो भी आया, ये दोनों रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज विद क्या? 100 ओम। तो अगर हम ऐसे बोले, देखते रहिएगा, रेजिस्टेंस सीन फ्रॉम दीज टू टर्मिनल, यहां से अगर हम देखते हैं, इफ आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व द रेजिस्टेंस फ्रॉम दीज टू टर्मिनल, तो मेरे को ये चाहिए R, equivalent, कितना आ रहा है ये बताओगे आप? 133.33। एंड फ्रैक्शन में कितना आ रहा है? फ्रैक्शन में बताओ, P by Q फॉर्म में। आपसे तो बेटर ही हूँ मैं कैलकुलेशन में, दिख गया मेरे को, देखो 400/3। तो अगर आप ये करंट निकालोगे बेटा, देखो ध्यान से एक बार, वो 400/3 रेजिस्टेंस है यहाँ से, तो ये जो करंट निकालोगे आप, लेट इट बी आई एस सोर्स करंट, तो सोर्स करंट क्या आएगा, एक ही वोल्टेज है यहाँ पे और एक ही रेजिस्टेंस है, तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 400/3। ये बाय डिफॉल्ट एम्पियर में, अब तक एम्पियर में ही आ रहा है, क्योंकि ये वाला कितने में था? वोल्ट में। अब यहां तक कितना करंट है देख के बताओ, ये वाला भी करंट सेम है क्या? यस सर, यस सर। करंट इतना है, कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये 3 ऊपर चला गया, 3 कॉस ऑफ ओमेगा टी डिवाइड बाय 400 3 cos of omega t divided by 400, मेरे को वो चाहिए। Can I apply current division rule? Yes sir. ये देखो मैं apply कर रहा हूँ। I small d small. What is the total current entering in the circuit? 3 cos omega t upon 400. मैंने वैसे पहले ही बोला था आपको कि frequency बदलती नहीं है। AC analysis पढ़ा चुका हूँ मैं। Frequency बदलता ही नहीं है। Omega तो omega ही रहेगा। Divide by 400. Into opposite resistance, उसका मल्टीप्लाई करूंगा मैं, डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस 150, जिसके अक्रॉस निकालते हैं उसके अपोजिट का मल्टीप्लाई क्या करो, डिवाइड बाई टोटल, मेरे को बताओ कितना आ रहा है आईडी अभी? 3 1 जा 3 और ये आ गया 3 5 जा 15, ये आ रहा है cos of omega t divide by 200, 5 milli. So what is 1/200? What is 1/200? Milli में convert करोगे? 5 million. हाँ हाँ very good. तो दी जा रहा है 1000/200 बेटा, directly कर सकते हैं अपन कुछ भी। हाँ तो कितना आया? 5 cos 200 × ये तो ठीक है, 5 cos of omega t milli ampere. बोलो ना। टोटल ऐड कर लो एसी प्लस डीसी। यस, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूमेरिकल है जो मेरे टीचर भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही रियलिटी है। टोटल करंट देखो, मैंने आपको कई बार बोला था ये बेटा, ये है टोटल करंट है ना? यस सर। नाउ टोटल करंट बराबर प्योरली एसी देखो प्लस प्योरली डीसी। प्योरली एसी कितना आया था अभी, निकाला था ना, कितना आया था ना? 5 cos omega t मिली एम्पियर प्लस ये तो 5 आया था, बाहर करो मिली एम्पियर। मैं सच कह रहा हूँ बेटा, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट न्यूमेरिकल है डायोड का, एसी प्लस डीसी एक साथ।
एसी प्लस डीसी एक साथ इस न्यूमरिकल को एक बार फिर शाम को ट्राई कीजिएगा क्लास के बाद, फिर से आप अपने से ट्राई करोगे, लेकिन इसको करने के पहले एक बार डेरिवेशन जरूर कर लीजिएगा। क्लियर? ओके सर। यस सर। तो आपको मजा आएगा। अब देखो, मैं केसीएल केवीएल को गुड बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर मैं ज़ेनर डायोड वापस स्टार्ट करूंगा। और टेस्ट डिस्कशन नहीं हुआ है, टेस्ट डिस्कशन कल करेंगे हम या परसों करेंगे हम, जब भी आपको मैसेज आएगा तब करेंगे हम। लेकिन अभी इसलिए करा दिया क्योंकि डायोड चल ही रहा था और डायोड का मैंने एक न्यूमरिकल सेट भी कर दिया था। ये न्यूमरिकल आपको एम्बेरसमेंट करने के लिए नहीं दिया था, ये न्यूमरिकल आपको इसलिए दिया गया था कि कल के डेट में टफेस्ट से भी टफेस्ट न्यूमरिकल भी अगर आपको देगा ना, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस नहीं करेगा कभी भी फ्यूचर में। ओके सर। यस सर। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 20। यू आर गोइंग टू ड्रॉ द सर्किट नाउ। ठीक है, अगर आप नहीं ड्रॉ कर सकते तो कम से कम सर्किट तो मैं बना ही रहा हूं। जो भी निकालना था सब निकाल लेते हैं। ये दिया हुआ बीएस करंट सोर्स की वैल्यू हमें 2 एम्पीयर गिवन है। यस सर। 5 ओम This is 10 volt, IS, 2 ohm. जो भी कैलकुलेट करना आई डोंट केयर, कैलकुलेट द करंट IS एंड VS बोला इसमें। कैलकुलेट द करंट IS एंड VS। जो लेट आएगा उसको स्लाइड पीछे नहीं करूंगा मैं, अब स्लाइड पीछे ही करता रहूं क्या? देखो ध्यान से एक बार। ओके, ये करंट कितना फ्लोर है? सी 2 एम्पियर। यहां तक हमारे पास 2 एम्पियर का करंट फ्लोर है। यहां से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। यस सर। फिर यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज भी तो 10 वोल्ट है, तो यहां से लेकर यहां तक का भी वोल्टेज कितना हुआ? 10 वोल्ट। 10/2 5 एम्पियर। नेक्स्ट वन, यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज कितना है? 10 वोल्ट। तो यहां से लेकर यहां तक का वोल्टेज भी कितना है? 10/1 10 एम्पियर। यहां से भी 2 आया, 10 बाहर चला गया, सो कहीं ना कहीं से 8 एम्पियर आना चाहिए यहां पे, तभी जाके बनेगा। 2 आया, 8 आया। अब इस जगह पे फोकस करो, इस जगह पे नोड है आपका, मैं अगेन बोल रहा हूं, इस जगह पे फोकस करो, ये नोड। 8 बाहर जा रहा है, इधर से 5 बाहर जा रहा है, तो ये वाला करंट कितना हो जाएगा यार? 13 एम्पियर। तो IS कितना आ गया? -13। देखो IS नीचे दिया, मेरा एक्चुअली फ्लो हो रहा है ऊपर, तो -13 एम्पियर। आगे देखो, मैंने आपको कई बार बोला है कि बेटा एक करंट सोर्स का वोल्टेज क्या होता है ऑल द टाइम? अननोन। ये लूप दिखाई दिया मुझे, बस बात खत्म। देखो इस लूप में मैं आराम से केवल अप्लाई करता हूं, एंड सी आई एम जस्ट चैलेंजिंग द न्यूमेरिकल ऑफ आईआईटी मुंबई। दिस इज द न्यूमेरिकल ऑफ आईआईटी मुंबई, नो प्रॉब्लम। माइनस वीएस 5 × 2 बस +10। कुछ नहीं मिला, यहां पे मिला +10। केवीएल कंप्लीट आंसर। सो व्हाट इज वीएस बराबर? -20 वोल्ट। -20 और +20 बेटा? 20 वोल्ट। देखो न्यूमेरिकल कितना भी बड़ा हो, वी कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल इन दिस वर्ल्ड यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ केसीएल एंड केवीएल। हो गया इतना, सबका पावर भी निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो। देखो इस वोल्टेज सोर्स का करंट अननोन था तभी उसने पूछा हुआ है, देखो इस करंट सोर्स का वोल्टेज अननोन था तभी उसने पूछा हुआ है, बात खत्म। जो चीजें अननोन होगा उसी को तो पूछेगा, क्यों थोड़ी ना बोलेगा आपको कि 2 एम्पीयर करंट सोर्स का करंट बता दो दोस्तों। है ना,
10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज बता दो. अरे वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज दुनिया को पता होता है, करंट नहीं पता होता तो करंट निकालना पड़ेगा, तो निकाल लिया. लेकिन करंट एक्चुअली फ्लो हो रहा है ऊपर, पूछा हुआ है नीचे, -13, दैट्स इट. ये न्यूमेरिकल काफी इजी था. सो अब हम जेनर डायोड कंटिन्यू करें. यस सर. करंट डिवीजन बता दो प्लीज. क्या मैंने करंट डिवीजन क्लासेस में नहीं पढ़ाया है क्या? पढ़ाया है सर. तो ये अजय ढिलोन नाम का बंदा करंट डिवीजन रूल क्यों पूछ रहा है मेरे भाई? जो पढ़ा चुका हूं उसको तो नहीं पूछो यार. एक काम करते हैं, लिखो डायोड. फिर से पढ़े क्या? फिर से पढ़े डायोड? नो सर. हाँ तो फिर कुछ भी बात करते रहते हो यार. कुछ न्यूमेरिकल मैंने कराए थे, जैसे देखो आपने 9th न्यूमेरिकल किया हुआ क्या? आपने 9th न्यूमेरिकल किया था एग्जाम पे? अरे एग्जाम पे 9th न्यूमेरिकल किया हुआ था क्या बेटा? सर आपने कुछ ऐसा करा था पहले? 9th न्यूमेरिकल किया था क्या? यस सर. हो गया था सर. हो गया था सबसे 9th न्यूमेरिकल? नहीं सर, आप करवा दीजिए. सर प्लीज, बहुत ब्लर आ रहा है. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था. ये बताओ ब्लर था सच में? अगर ब्लर था तो स्क्रीन, सर, थोड़ा सा स्क्रीन भी बीच में रुकी थी तो मैं एक्सप्लेनेशन वापस नहीं करूंगा. यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हमारा. चैट बॉक्स को मैं डिसेबल करूंगा आप नाउ, दैट इज इरिटेटिंग मी. कुछ भी चाहते तो लिखते रहता. फर्स्ट स्लाइड था ये सेकंड था. यू कैन मेक अ नोट. थर्ड था, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. और ये फोर्थ था. ये फिफ्थ न्यूमेरिकल था, मतलब लाइक फिफ्थ स्लाइड था. हो गया? यस सर. देखो आपके पास ना ये न्यूमेरिकल था, सॉल्यूशन नंबर 9. अगर आपने नहीं ट्राई किया था या ट्राई किया था तो देखो इनपुट में क्या लिखा था. व्हाट डू यू मीन बाय दैट इनपुट एज? इज इट अ डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन? यस. दैट मींस यस सर. इंपल्स फंक्शन? यस. ओके सर. तो आर दिया हुआ है 10 ओम, L दिया हुआ है 1 हेनरी, करंट निकालना है ये. चलो एक काम करते हैं, हम ये तो जानते हैं. देखो दिस आई टी इज इक्वल टू वोल्टेज वी टी डिवाइड बाई इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट इन टाइम डोमेन, वी बाई आर. तो वी बाई इम्पिडेंस. लेट्स टेक द लैपलास ट्रांसफॉर्म. आई ऑफ एस बराबर वोल्टेज का लैपलास ट्रांसफॉर्म वी एस डिवाइड बाई इम्पिडेंस का लैपलास ट्रांसफॉर्म. Yes, sir. Yes, अगर इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हो डिलीट मार देता हूं. नहीं सर. छोड़ो आगे चलते हैं. कहां थे जेनर डायोड में बताओ? तो प्लीज करवा दीजिए. अरे तो इंटरैक्ट तो करते नहीं हो. म्यूट अनम्यूट म्यूट अनम्यूट. घर में शांति नहीं है क्या आप लोग के घर में? मैं 3 दिन से डीयू एमएससी एंट्रेंस बैच में क्लासेस ले रहा था, फिर से नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट किया था, फिर भी क्यूरियोसिटी से पढ़ा रहा था, वेट कर रहा था कि नेट में क्लासेस होगी तो फिर से गुड इंटरेक्शन होगा. नए बच्चे थे बेचारे उन लोग. तो इंटरेक्ट करो ना ढंग से. हाँ जी सर, करा दीजिए. देखो आ गया वापस फिर से. मुझे पता था ना गायब कर दूंगा मैं करके. 1 वोल्ट इसका लैपलास कितना होता है? देखो मैं आपको कितना अच्छे से बोला हूं, मैथमेटिक्स का सबसे परफेक्ट एप्लीकेशन पूरी दुनिया में कौन कर सकता है? मैं ही बोला था आपको. यस सर. ये क्या आएगा? इसका तो एलएस होता है, एस प्लस 10. आंसर डायरेक्टली सी, आंसर डायरेक्टली ई रेस टू द पावर ऑफ -10t, दैट्स इट.
ये देखो क्या न्यूमेरिकल है, ये इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म। यस सर। नहीं बना होगा हमसे नाइट। हो गया था सर। मे बी इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन काम ना करे या टाइम टेकिंग हो जाए, इसीलिए मैंने ऐसे कर दिया। बट आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक बार ट्राई करोगे, राइट? ओके सर। सर वैसे ट्राई किए थे बट फिर कांस्टेंट को एलिमिनेट नहीं कर पाए थे। तो बेटा हमने IL 0 माइनस 0 था, देख लो, क्योंकि इंपल्स फंक्शन अप्लाई जब कर रहे थे उसके पहले इंपल्स फंक्शन अप्लाई नहीं था, तो IL 0 माइनस 0 था, तो IL 0 प्लस 0 नहीं होगा। बोलो क्यों? मैंने बोला था व्हेनेवर यू आर हैविंग डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इन द सर्किट इंडक्टर अपोजिट्स इंडक्टर डज नॉट अलाउ टू शो इट्स प्रॉपर्टी। तो IL 0 माइनस इनिशियल कंडीशन वो आ गया, बट IL 0 प्लस नहीं कर सकता मैं कभी भी। आई कैन नॉट अप्लाई IL 0 प्लस इक्वल टू 0 बिकॉज़ ये वाला प्रॉपर्टी डज नॉट एग्जिस्ट। IL 0 माइनस तो दिख रहा है मेरे को इंडक्टर जब, सॉरी ये जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ये नहीं दिया था तब तो कोई करंट नहीं फ्लो रहा था, ये तो अपने को समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई कैन नॉट अप्लाई दैट IL 0 प्लस हैज टू बी इक्वल टू 0 फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर दैट अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये कराया था आपकी क्लासेस में, चेक कीजिएगा। यस सर। लेकिन फिर भी अपने को नहीं आ रहा है क्वेश्चन। पेपर बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जानबूझ के आपको पेपर टफ सेट इसलिए किया था सो दैट आपको नेटवर्क थ्योरी का बड़ा आइडिया हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 तो बना लिया होगा भाई। यस सर। हाँ वो तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी तो बना लिया होगा, वो तो क्लास में कराया था। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 11 भी तो बना लिया होगा, क्लास में कराया था। बोलो। यस सर। यस सर। 10 10 तो बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल है भाई। यस सर। यस सर। 12 12th भी कॉपी में कराया आपके, बस डेटा बदल गया, इनिशियल फ्लक्स कंजर्वेशन। यस सर। तो कौन सा वाला? 12th। 12th हाँ हो गया। तो यार इतना सारा आसान न्यूमेरिकल था, 15th भी तो करा दिया था क्लास में। यस सर करवाया था। और 18th न्यूमेरिकल तो बन जाना चाहिए था आपसे, नोडल का प्रैक्टिस कर लें क्या एक बार? यस सर। लिखो सॉल्यूशन नंबर 18, प्रैक्टिस ऑफ नोडल लिख लो, प्रैक्टिस ऑफ नोडल एनालिसिस। मे से कोई स्टूडेंट प्रॉपरली बात नहीं कर रहा है, आज मैं बहुत कुछ सुनाऊंगा बता दियो। मैं बोल दूंगा 15 दिन की छुट्टी दे दो मेरे को वाले बैच से। नहीं सर। नहीं सर। अरे तो फिर बातें करो ना यार ढंग से यार, आपको पता नहीं कि गुलशन सर की वीक पॉइंट क्या है? यू नीड लाइक वो क्या बोलते हैं, हाँ कम्युनिकेशन। यस सर। वो भी नहीं कर पा रहे हम। तुम लोग ना सलमान की मूवी देखा करो पता है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए ही बनती है। अरे 60 साल की बूढ़े की फिल्म देखते हो, शर्म नहीं आती? आती है सर, देखते ही नहीं है। देखते ही नहीं हम। देखते ही नहीं सर सलमान खान की। सर बहुत बोर करता है। अरे मैं बोलता हूँ आप किसी भी की मूवी मत देखा करो, पूरे साल में एक दो मूवी ढंग से आती है बस उसी को देखा करो बेटा, और कुछ मत देखा करो प्लीज। आमिर खान अच्छा बनाता है सर। डोंट वेस्ट। अरे काहे का मूवी, एक आध दो मूवी अच्छा बनाने देखो बेटा। अभी अभी सर हम लोग पॉलिटिकल ड्रामा देखते है। आप कुछ नहीं करना है, आप कुछ मत अपना टाइम बिल्कुल भी किसी को मत दो। सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा हम लोग नॉवेल पढ़ते हैं, वो नॉवेल है आपका ये क्या बोलते हैं नोट्स पढ़ो, नोट्स देखो बेटा। जब भी हीरो को देखने का मन कर रहा है सर्कल लेक्चर देख लो। रिकॉर्डेड ये देखो, इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ ना? बोलो यस और नो। यस सर। तो फिर सर नीचे क्यों किया? क्योंकि नीचे इसलिए किया क्योंकि नीचे क्या है बताओ? ग्राउंड है। नीचे ग्राउंड है। नीचे ग्राउंड होने से एडवांटेज क्या है? हम दुनिया के सारे वोल्टेज को कहां से मेजर करते हैं? ग्राउंड से। इसलिए मैंने ऊपर नीचे कर दिया। देखो आपके सर्किट में भी दोनों सीरीज में था और मेरे सर्किट में भी दोनों सीरीज में, तो मैंने कुछ नहीं बदला। यस सर। यस सर। अब मैथमेटिकली प्रूव करूं? यस सर। ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। वी हैव अप्लाइड कम्यूटेटिव लॉ इन नेटवर्क थ्योरी। वाओ मजा आ गया। वी हैव अप्लाइड कम्यूटेटिव। आगे पीछे ऊपर नीचे
जो भी है. सो ऊपर नीचे का नीचे ऊपर व्हाटएवर इज नथिंग बट ए प्लस बी बराबर बी प्लस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई कर लिया और मैं इसलिए अप्लाई किया बिकॉज मैं चाहता हूँ हर वोल्टेज कहाँ से नजर आए मेरे को, नीचे ग्राउंड से. ओके देखा मजा आया. यस सर. ये कितना है, ये पूरा ई जीरो है. एक्चुअली मेरे मामा जी का पोस्ट है सेल में, ई जीरो पोस्ट है तो मैं वैसे ही याद आ गया मेरे को. और ये है हमारे पास ई वन. नाउ ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ नोडल ई वन पे. वी टेक इनकमिंग करंट एज नेगेटिव तो उसको बना दो एट बराबर ई वन माइनस जीरो बाई टेन प्लस ई वन माइनस ऑफ ई नॉट डिवाइड बाई टू बराबर खत्म हो गया. तीन ब्रांच एलजेब्रिक सम खत्म. यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ मैं E0 minus 16 divided by 6 plus E0. इधर से आजा ग्राउंड. Yes sir. 12. इधर नहीं है करंट, हटाओ. Yes sir. Plus E0 minus उधर E1 divided by 2. 2. Equal to 0. जो निकालना है वो निकाल लो. E1 पूछा, I think E1 28 volt आ रहा होगा. ये अभी आपको वेरीफाई करना है कि E1 मेरा 28 volt आ रहा है. Is a practice of nodal analysis. तो पेपर बेटा कितना भी टफ हो, आसान क्वेश्चन उसमें होते ही है. Yes. क्योंकि दूध कितना भी प्योर हो जाए उसमें पानी की क्वांटिटी होती ही है होती. Yes, sir. दूध कितना भी प्योर दूध निकाल लो, डायरेक्टली गाय से निकालो, भैंस से निकालो, किसी से भी, उसमें वॉटर कंटेंट होगा ही. Yes, sir. Next one, हनी निकालो, प्योर हनी, उसमें वाटर कंटेंट 0% है, इसीलिए वो एवरलास्टिंग है. लेकिन बाबा रामदेव वाला नहीं. जे बाबा रामदेव वाला पानी डालता है, पानी खराब हो गया मेरा वाला भाई घर का. मैंने बोला मम्मी तो बोली थी शहद कभी खराब नहीं होता, एक्स्ट्रा भी डालते हैं. चक्कर निकल रहे भाव से चीनी. मैंने बोला भाई है ना, तो मिलावट बाबा रामदेव ज्यादा करते हैं. परफेक्ट बिजनेसमैन, 50,000 करोड़ रुपीस. यस सर. मैं यहाँ पे पढ़ा पढ़ा के कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. उसमें सर दाढ़ी भी डाल दे. अब बोलता है मेरा तो कुछ नहीं है, सब देशवासियों का है, तो दे देना फ्री में, आ जा दे. कुछ भी मतलब, तो देशवासियों का है. ठीक है, ये तो जो गुटखा खाता है ना बेटा वही कैंसर की हॉस्पिटल खोल के रखा है. Yes, देखो इधर हो गया. अभी चलो आगे चलें. अभी यस सर. यस सर. तो पेपर मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट डिस्कशन कल होगा या परसों होगा या तीन दिन बाद होगा या चार दिन बाद होगा, यू नीड नॉट हैव टू केयर. लेकिन तब तक, अब घर में मैं बार बार कह रहा हूँ, वापस पढ़ो ट्रांजिएंट, पूरा ट्रांजिएंट एनालिसिस वापस पढ़ो और सारे न्यूमेरिकल को एक बार फिर से करो. जैसे ऐसे वाले क्वेश्चंस मैंने इसलिए दिए थे आपको एग्जाम पे क्योंकि बिना नोडल के हम एक भी ओपैम को सॉल्व नहीं करेंगे. बड़ा इंपॉर्टेंट है नोडल एनालिसिस. यहाँ पे अगर आप मेश अप्लाई करते तो बड़ा फंस जाते क्योंकि तीन दिखता, फिर इसका हम वोल्टेज लेते नहीं है क्योंकि करंट सोर्स का वोल्टेज अब नहीं पता. नेक्स्ट ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा न्यूमेरिकल है ये वाला, हालांकि दो लाइन पे सॉल्व हो जा रहा है लेकिन जितना सोचोगे उतना गेन करने को मिलेगा. इसका पावर निकाल लो, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, इसका पावर, लाइक दैट. तो जितना आप सोचोगे उतना मजा आएगा. अब मैं पढ़ाऊंगा, आज की क्लास में पढ़ाऊंगा रेगुलेटर सर्किट. देखते हैं हम कितना हमारे पास टाइम बचा हुआ है क्योंकि हो सकता है एक घंटे का तो थ्योरेटिकल नोट्स होगा. ठीक है. ओके सर. यस सर. जैम में आया हुआ था न्यूमेरिकल क्योंकि आपको नेट में तो रेगुलेटर सर्किट से न्यूमेरिकल इस बार नहीं पूछा था. क्या लिखा है पढ़ाओ, बताओ. जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर. जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर. वोल्टेज रेगुलेटर. जेनर डायोड की वर्किंग के बारे में आप पढ़ोगे, सॉलिड स्टेट में पढ़ना है तो पढ़ो, या तो फिर याद रखना आप कोई भी सॉलिड स्टेट की बुक उठाओ उसमें अवलांच ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन के बीच में जितने डिफरेंसेस और एनर्जी बैंड डायग्राम के रेस्पेक्ट में पढ़ सकते हो, पढ़ना चाहिए आपको, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो चाहे ना हो. मेरे पास नोट्स रखा है, मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें दो लेक्चर सिर्फ उसी में लग जाएगा फिर मुझे. व्हाट डू यू मीन बाय जेनर ब्रेकडाउन एंड व्हाट डू यू मीन बाय अवलांच ब्रेकडाउन अलोंग विद एनर्जी बैंड डायग्राम. यस सर. ओके सर.
तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटलीस्ट दो से तीन पेज आप जेनर ब्रेकडाउन और अवलांच ब्रेकडाउन के बीच में डिफरेंसेस लिखो, वो भी मैथमेटिकल डिफरेंसेस लिखना आपको। ऐसे नहीं कि बस ये तो पॉजिटिव है वो तो नेगेटिव है, इधर से इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लीकेशन होता है, यहाँ पे फील्ड आयनाइजेशन होता है, ऐसे फर्जी डेफिनेशन नहीं चाहिए मुझे, पूरा का पूरा दिखना चाहिए एनर्जी बैंड डायग्राम के रेस्पेक्ट में। अगर आप बोलोगे तो मैं किसी एक स्टूडेंट को फॉरवर्ड कर दूंगा उसको, सो दैट वो आपका जो भी एक्स वाई जेड ग्रुप है उस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन नाम डिस्क्लोज नहीं होगा कभी भी। अभी क्या है पता आपको क्या लग रहा होगा, प्रूफ दिखा दूं उस ग्रुप में क्या क्या बातें हुई थी। उस ग्रुप में ये हुआ था भाई नेटवर्क थ्योरी कौन से पेज नंबर तक आ रहा है, ये डिस्कशन हुआ था नेटवर्क थ्योरी का कहां तक आ रहा है, डायोड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तुमको क्या करना है भाई, तुमने तो जो टेस्ट बोला गया था बहुत पहले बोल दिया गया था नेटवर्क थ्योरी आ रहा है करके था कुछ ऐसा। ये वेट कीजिए एक मिनट, कानून के हाथ बहुत लंबे। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बता दे रहा हूं मैं उस ग्रुप में इधर उधर के इतने सारे मैसेज आते हैं पूरे 24 घंटे में, दो घंटे भी शांत नहीं रहते। और सर आपकी आवाज दब गई है सर। वेट, अभी आ रहा है? यस सर। यस सर। ये मत सोचना कि जिस ग्रुप में आप लोग हो उस ग्रुप का अपडेट मेरे को नहीं मिलता करके, सारा अपडेट होता है। बस बता देना कि कब बताना कि क्या क्या सेंटेंसेस आए हैं करके, तो अभी मैं पढ़ के बता दूंगा। भाई लोग नया ग्रुप बना लो। क्या अजीब हो भाई आप लोग, नायक हैं सर, सिलेबस पूछ रहे हो पता है उस ग्रुप में बैठ के एक दूसरे से, किसी को पता नहीं है सिलेबस और एक दूसरे सिलेबस पूछ रहे, कोई रिप्लाई भी कर रहा है तो उसको भी कमेंट कर रहे हो आप नेगेटिव। आप लोग को नेट एग्जाम निकालना है। सिलेबस पता नहीं था, अरे भाई नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट हुआ तो नेटवर्क थ्योरी आएगा, ऑब्वियसली पूरा आएगा नेटवर्क थ्योरी यार। और एक और चीज है, अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा उसमें स्टार्टिंग से लेकर अब तक आएगा, ऐसा नहीं कि जो नया पढ़ाया वही आएगा, नहीं नेटवर्क थ्योरी दूंगा फिर से मैं, ठीक है? यस सर। ओके सर। आपको पता है आप लोग फोन से दूर रहा करो बेटा, मतलब कैसे बच्चे हो भाई आप लोग, पछताओगे मैं बता दियो, बहुत ज्यादा पछताओगे। दिन भर कोई एक बंदा उसमें ग्रुप करता ही है मैसेज, हर 5 मिनट में या हर 10 मिनट में एक मैसेज कर रहे हो, अरे यार आगे पढ़ाई तो करो, कहां फोन पे लगे हुए हो यार, ये जो फोन चला रहे हो ना वो भी आपके खुद का नहीं है फोन, फादर का दिया हुआ है, पापा मम्मी का दिया हुआ है फोन चला रहे हम लोग, शर्म नहीं आते 1% भी। फोन चलाएंगे हम रात को बैठ के 1 बजे, क्या कर रहा था बता 1 बजे तक, अरे पढ़ लेता तो दुनिया बदल देता, नहीं हम क्यों पढ़ेंगे। ओके देखो यहाँ पे जेनर डायोड का इक्विवेलेंट मॉडल के बारे में मैं पहले बात करता हूं। मैंने आपको ये बताया था कि बाय डिफॉल्ट जेनर डायोड का पावर क्या होगा, मैक्सिमम। यस सर। गुड, तो ये हमारा पोलैरिटी है जेनर डायोड का, जेनर डायोड का पोलैरिटी ये बेटा ये वीजेड है। कई बार कितने बार आपको बोला, और मैंने बोला था जेनर डायोड में हमेशा करंट कन्वेंशनली एन टू पी फ्लो होगा, जब वो ब्रेक डाउन पे होगा तो ही हमारा जेनर डायोड रेगुलेटर की तरह। ओके सर। जब जेनर डायोड ब्रेक डाउन पे होगा तभी जेनर डायोड कैसे बिहेव करेगा, रेगुलेटर, रेगुलेटर की तरह। और एक बात बताऊं? यस सर। उसमें जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल बंदा होगा ना उस ग्रुप में, मोस्ट इंटेलेक्चुअल बंदा, वो कभी रिप्लाई ही नहीं करेगा, वो मैं ही हूं, ढूंढते रहना अभी, गारंटी बोल रहा हूं, ढूंढ के दिखा दो, इधर आओ अभी, रिप्लाई मैं भी नहीं करता। हाँ तो इसका मतलब तू इंटेलेक्चुअल हो गया क्या? हाँ इधर देखो अभी, ये उसका इक्विवेलेंट मॉडल है, लेकिन आरजेड को हम कब लेते हैं, जब आरजेड गिवन है, आरजेड व्हेन गिवन। व्हाट इज द रेंज ऑफ द जेनर डायोड करंट, टेल मी, IZ मिनिमम से लेकर IZ मैक्स, इट मैक्सिमम से ज्यादा करंट नहीं फ्लो होगा। इफ IZ मिनिमम नॉट गिवन तो एक जीरो,
आई जेड मिनिमम या आई जेड नी नॉट गिवन. वी कैन टेक इट एज जीरो मिली एम्पियर. लेकिन आई जेड मैक्स को कुछ नहीं ले सकते हैं. आई जेड मैक्स किसी को नहीं पता होता. व्हाट इज पी जेड मिनिमम? आई जेड मिनिमम जीरो. वेट करो मैं बता रहा हूं. मिनिमम पावर डिसिपेशन. मिनिमम पावर डिसिपेशन. मिनिमम पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू, अगर आर जेड है तब देखता हूं मैं, तब मैं लिख रहा हूं वी जेड डॉट आई जेड मिनिमम विदाउट एनी प्रॉब्लम. दिखा? यस सर. प्लस आई जेड मिनिमम स्क्वायर इनटू आई स्क्वायर इनटू आर. लेकिन अगर आर जेड नहीं दिया हुआ है तब पावर क्या जाएगा? वी जेड इनटू आई जेड मिनिमम. मिनिमम पावर डिसिपेशन वाला वर्ड आपको दिखना चाहिए. मिनिमम पावर डिसिपेशन वाला वर्ड ऑल द टाइम आपको दिखना ही चाहिए. तो मतलब कहने तो फिर नहीं. अब हमने बोला व्हाट इज पी जेड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन. मैक्सिमम पावर डिसिपेशन तभी आ जाएगा वी जेड डॉट आई जेड मैक्स एंड आई स्क्वायर इनटू आर. बट अगर आर जेड नहीं दिएगा तो क्या हो जाएगा? वी जेड इनटू आई जेड मैक्स. आई जेड मैक्स. इसका एक नाम बोला था मैंने, इसको मैं बोलता था मिनिमम पावर रेटिंग. मिनिमम पावर रेटिंग बोला, रेटेड वाला, या रेटेड पावर भी बोल सकते हैं. वी कैन कॉल दैट वन अगेन एज दिस वन एज रेटेड पावर. क्या ये बेसिक के बारे में पहले बताया था? यस सर. यस सर. यहां तक लिख लो आप. हो गया सर. ठीक है, तो हो गया अभी इतना. लिखो, स्टैंडर्ड सर्किट है ये. मोस्ट ऑफ द टाइम पे यही रेगुलेटर सर्किट पूछेगा आपको. स्टैंडर्ड रेगुलेटर सर्किट. सर्किट बनाई है अभी इसको. ये करंट हमेशा आईएस होगा ऑल द टाइम. जेनर डायोड में करंट हमको ऑलरेडी पता है कि आई जेड होगा, और लोड करंट को आप आई एल लिख सकते हो. और ये जो वी नॉट है ना, वही आर एल के अक्रॉस का वोल्टेज है. बट मैं यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ, जेनर डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो प्लस माइनस ऑफ वी जेड होगा. प्लस माइनस ऑफ वी जेड. और ये जो वोल्टेज होगा, यह तो आप इसको वी एल बोलो, या तो आप आउटपुट वोल्टेज वी आउट बोलो, या तो वी जेड बोलो, क्योंकि सबके सब पैरल में है. दिख रहा है आपको? यस सर. वी ओ बोलो,
कभी कभार आप VOUT भी बोल सकते हो, इट्स अप टू यू, एंड दैट इज सेम एज वोल्टेज ऑफ लोड रेजिस्टेंस, दैट इज सेम एज वोल्टेज ऑफ द जेनर डायोड, बिकॉज दिस सर्किट इज ओनली वैलिड व्हेन जेनर इज इन ब्रेकडाउन रीजन, ब्रेकडाउन, तभी हम ऐसा बोल सकते हैं. लेकिन हम देख चेक भी करना पड़ेगा आपको, चेक भी करना पड़ेगा. ये जो है ना, आप ये सर्किट तब एप्लीकेबल है बेटा जब IZ मिनिमम IZ से ज्यादा फ्लो हो. कितना मिनिमम करंट फ्लो होना चाहिए जेनर डायोड में, तब वो ब्रेकडाउन पे होगा. ग्रेटर देन इक्वल टू IZ मिनिमम. ये हो गया. ये ऐसे मैं इन जनरल कभी लिखाता नहीं था, बट अभी लिखा दे रहा हूं. लिख लिया? यस सर. यस सर. ठीक है. देखो केस वन, व्हेन आरएल इज वेरिएबल. नहीं यार, इधर ही लिख देता हूं मैं आपको, यहां पे थोड़ा समझ में भी आएगा. केस वन क्या लिया? आरएल इज वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है. ये आपको समझना पड़ेगा, एक ही चीज वेरी कर रहा है आरएल, बाकी सब कांस्टेंट है. अगर ये आपका आरएल वेरी कर रहा होगा तो हमें इतना समझ में आता है कि एक कम वैल्यू होगा और एक ज्यादा, और एक ज्यादा वैल्यू होगा. RL के अक्रॉस वोल्टेज कितना दिख रहा है? VZ? Yes, yes. या तो V0. अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, मैं रेजिस्टेंस को घटाता हूं. If resistance is decreased when RL is minimum, so this implies current is what? Maximum. Maximum. IL is maximum. When RL is maximum, this implies current is what? Minimum. नेक्स्ट, हमको ये पता दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको कि जो ना सोर्स करंट जो आ रहा है ना, ये इज इक्वल टू Vs माइनस VZ बाय RS है वो. यस सर. Vs माइनस ऑफ VZ डिवाइड बाय RS. सब कांस्टेंट है इसमें, देख लो कुछ भी वेरी नहीं कर रहा है. Vs फिक्स, VZ कभी बदलता नहीं, VZ कभी नहीं बदलेगा, टेंपरेचर के रिस्पेक्ट में बस बदलता है. RS भी फिक्स्ड, सो व्हाट अबाउट दिस IS? कांस्टेंट. कांस्टेंट बोलो या फिक्स बोलो अभी. अब यहां से कांस्टेंट करंट का सप्लाई है, यहां पे अगर लोड करंट बढ़ेगा तो IZ क्या होगा? कम होगा. कम होगा. और कांस्टेंट करंट की सप्लाई है, यहां पे लोड करंट को अगर कम करोगे तो IZ क्या होगा? बढ़ेगा. बस यही एक्सप्रेशन में लिख दे रहा हूं, ध्यान से देखिए. एक तो है हमारे पास IS की फिक्स वैल्यू ऑफ करंट वहां से आ रही है. सपोज मैं बोलता हूं कि लोड करंट बढ़ गया, अगर IL बढ़ जाता है तो जेनर डायोड का करंट क्या हो जाएगा? IZ घट जाएगा. IL मैक्स है तो IZ क्या है? मिनिमम. मिनिमम. ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, कोई डेरिवेशन नहीं है. लोग इसको डेरिवेशन बोल देते हैं, कोई डेरिवेशन नहीं है, लॉजिकल थिंकिंग है. लॉजिकल थिंकिंग, नथिंग एल्स. अब फिर से हमारे पास एक कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ करंट आ जा रहा है. किसी वजह से अगर लोड का करंट कम हो गया, लोड का करंट कम होने की कंडीशन आपको बता दी गई है. अगर लोड का करंट कम हो जाता है, IZ सर इंक्रीज हो जाएगा. IZ क्या हो जाएगा? इंक्रीज. इंक्रीज हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाएगा. अब आप ये बताओ, मैक्सिमम, मैं बोला ये पूरा मैक्सिमम से मैक्सिमम चाहिए, ये वाला मैक्सिमम कितना हो सकता है? जितना आ रहा है उतना ही सब चला जाएगा. हाँ, यही चीज को मैं अपने टीचर को बताया तो उसने मुझे ब्लॉक किया YouTube. ठीक है, आप समझो क्यों. पता है बेटा, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक एटीट्यूड या एरोगेंस लेवल होता है, सबका होता है, मेरा भी होगा. लेकिन होता क्या पता है, मैं लर्निंग में हमेशा रेडी रहता हूँ. लेकिन वही है ना, कोई स्टूडेंट की औकात थोड़ी ना कि मेरे को समझा देगा. वो डेली पढ़ रहा हूँ ना भाई, अभी भी बैठ के पढ़ रहा था, आप बिलीव नहीं करोगे. ठीक है, वो कोई इशू नहीं है. ये परफेक्ट एक्सप्रेशन, ये परफेक्ट एक्सप्रेशन, बट
हम ऐसा बोल सकते हैं आई जेड मैक्स की वैल्यू अगर पूछता है तो इट शुड बी इक्वल टू जो पूरा फ्लो ऑफ इनकमिंग करंट है ना वही क्या हो जाएगा वही आई एस फिक्स को इतना ले लेंगे. लेकिन अब आप बोल रहे हो कि सर यहां से जितना आ रहा है सब यहां पे चला जाए सब, तो आई एल कितना है? जीरो. अगर आई एल जीरो है तो लोड करंट जीरो कब, जीरो करंट कब फ्लो होता है? इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. वेरी गुड. इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब लोड को सर्किट से पकड़ के बाहर फेंक दो. यस सर. तो लोड रिमूव्ड. इंटरेस्टिंग थिंग. इसी चीज को आईआईएससी ने बैंगलोर ने फॉलो किया, बाकी लोगों ने नहीं फॉलो किया था. और इस बार मुंबई ने फॉलो किया. मुंबई का ही खुद का न्यूमेरिकल एक टाइम पे कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहा था, फिर मुंबई वालों ने शायद स्टडी किया होगा. इस बार जो न्यूमेरिकल सेट किया था वो ऐसे सेट किया था, देख लो. मैक्सिमम मैक्सिमम जेनर डायोड का करंट कितना फ्लो होगा, उतना ही सोर्स करंट फ्लो होगा. तो वो सोर्स करंट का सारा करंट यहां चला जाएगा तभी. लेकिन लोड को हटाने के बाद अब बोलोगे सर लोड को कैसे हटाऊं मैं? आप अपने घर में कभी ना कभी फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन को ऑफ करते होगे. सारा लोड जब घर से बाहर निकलते हो एक टाइम पे, जैसे घर को लॉक करके एक हफ्ते के लिए घर से बाहर जाना है, तो सारा लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हो, सबको ऑफ कर देते हो. यस सर. यस सर. ऑफ कर देते हो तो करंट कितना फ्लो हुआ लोड में? जीरो. जीरो. ये इसको पकड़ के बाहर निकाल दो. लेकिन फिर भी स्टेबलाइजर अपना काम करता है घर का. यस सर. बस वही फंडा है, वही प्रैक्टिकल लाइफ है. अगर मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूँ एक हफ्ते के लिए, तो मैं एसी का पावर, रेफ्रिजरेटर का पावर, सब का पावर बंद कर दूंगा. लेकिन स्टेबलाइजर अपना काम जरूर करता है ऑल द टाइम. सर. हाँ. जैसे घर से निकलते हैं तो वो जो एमसीबी होता है उसको हम डाउन करके चले जाते हैं, तो वही चीज है ना ये? नहीं बेटा, वो स्टेबलाइजर एसी के जो पीछे लगा होता है वो बोला मैं. ओके सर. जैसे रेफ्रिजरेटर होता है उसमें भी कई बार अलग से हम ये स्टेबलाइजर यूज करते हैं, और आजकल तो वैसे इनबिल्ट आने लग गया है उसमें. हाँ, इनबिल्ट आने लग गया है तो बात अलग है बेटा, इनबिल्ट तो आ गया सब में आजकल. ओके सर, एमसीबी बंद कर देंगे फिर तो सब कुछ खत्म हो गया ना. तो आपने वो यही घर का ही इनपुट बंद कर दिया था ना वहां पे. ओके सर. ओके. अच्छा एक काम करता हूँ मैं, जैसे आपको बताता हूँ, जैसे एसी का स्विच ऑन है, एसी रिमोट से ऑफ है, ठीक है. अगर स्टिल वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता है तभी भी एसी नहीं काम करता रहता कंडेंसर वाला. वो फील किया कि नहीं वो मुझे नहीं पता आप लोगों ने. मैं फिर से बता देता हूँ, एसी वीसी का सब कुछ ऑन है, रिमोट से मैंने एसी को ऑफ कर दिया. अब क्या हो रहा है, किसी वजह से ट्रांसफार्मर फ्लक्चुएट हो रहा है बाहर का. देखना कभी ना कभी किसी ना किसी के घर में पूरे किसी ना किसी कहीं ना कहीं स्टोरी सुना होगा कि ट्रांसफार्मर में फ्लक्चुएशन हुआ वोल्टेज तो घर के डिवाइस खराब हो गए. यस सर. यस सर. क्योंकि इसलिए क्योंकि स्टेबलाइजर लगा नहीं था आपके घर में. यस सर. हाँ, तो अगर ऐसा हुआ है तो समझ सकते हो आप. लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स है और वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का रेगुलेटर सर्किट है बेटा. ओके सर. ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम डायोड पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट वाले पावर डायोड पढ़ते हैं. पावर डायोड, वो डायोड नहीं है, पावर डायोड की बात कर रहा था मैं, इलेक्ट्रिकल. और हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं वो डायोड पढ़ते हैं, दिख रहा है? यस सर. उन लोग पावर डायोड पढ़ते हैं. तो वो स्टेबलाइजर जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट तो है नो डाउट, बट उसमें एडवांस वाला जेनर डायोड यूज करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का पार्ट है. लेकिन अप टू सर्टेन सेंस में बोल रहा था कि इसका कंसेप्ट वही है जो हमारे घर पे होता है रेगुलेटर. यस सर. अब देखो, अगर मेरा फ्रिज ऑन है, जस्ट अभी अभी मेरे घर का फ्रिज इमेजिन करो ऑन है, मैं जो घर जाता हूँ और एसी को ऑन करता हूँ, तो फ्रिज में करंट सेम रहता है कि बदल जाता है? फ्रिज में करंट तो उतना ही फ्लो होता है, वो अलग डिवाइस है, वो अलग डिवाइस है. Yes, sir. अब जैसे इमेजिन करो मैं घर पे फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है, मैं अपने कपड़ों को आयरन करना चाहता हूँ, तो मैंने आयरन को भी ऑन किया, तो जैसे आयरन के ऑन करने के बाद फ्रिज बंद हो जाता है क्या? No, sir. No, sir. It means उसको उतना ही वोल्टेज मिलता रहता है. तो कितना भी लोड को कितना भी बदलो, देखो ध्यान से एक बार, लोड को कितना भी बदलो वोल्टेज क्या है? हाँ, वो वही है इम्पोर्टेंट चीज. अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ, उतना ही लगाओ जितना नीचे वाले भगवान ने दिया है. मैं अपनी बात कर रहा हूँ. अब क्या करेंगे पता है? मैं बताता हूँ, मैं इतने इरिटेटिंग स्टूडेंट से मिल चुका हूँ ना. वो बोल रहा था कि सर बीटा की वैल्यू को बढ़ा दो, कुछ भी कर दो. तू बोल जाना करके एक बार देख ले लैब में, इतना ही आता है तो एक काम क्यों नहीं कर लेता, शौकले के साथ जाके एक्सपेरिमेंट ही कर ले, है ना. अब पता है उन लोग क्या सोचते हैं, पता है? अब तो अपन सीख ले, फीलिंग देखो उनका, अब तो अपन सीख लिया, चल अब चलते हैं घर में, आज जाके मैं सोल्डरिंग वोल्डरिंग सब खरीद के लेके आके जेनर डायोड बनाऊंगा खुद का. पागल है क्या भाई तू?
अरे ये पेन पेपर की दुनिया है, ठीक है, पेन पेपर वाली दुनिया अलग होती है। पेन पेपर से सिर्फ आप अपना मेंटल लेवल बना रहे हो, जब आप पीएचडी में लैब में जाओगे तब जाके एक बार सोचना। और एक और चीज है, आजकल सारा चीज सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के रेस्पेक्ट में होता है। पहले हर चीज को आप सॉफ्टवेयर मतलब पी स्पाइस करके मॉडल होता है, उसमें पहले हर चीज को डिजाइन करके पहले रन करोगे, उसको सिमुलेशन बोलते हैं, तब जाके प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे जाके उसको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बस चले ही गया मैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड पे, डिजाइन ही कर डाला मैंने रेगुलेटर सर्किट, ठीक है। यस सर, यस सर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पे देखो, जो रेजिस्टेंस हम लगाते हैं उसमें टॉलरेंस लेवल लेते नहीं है। इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ एंड आगे वो गोल्ड सिल्वर कलर का कुछ होता था टॉलरेंस लेवल जो बताता था भाई, उसमें रेजिस्टेंस में कांस्टेंटली मैंने प्लस माइनस 20% टॉलरेंस या 10% टॉलरेंस लिया नहीं। तो रियल वर्ल्ड और ये थ्योरेटिकल वर्ल्ड काफी ज्यादा फर्क है। हाँ, लेकिन ये कह सकते हो कि इसके रिजल्ट और उसके रिजल्ट में थोड़ा एरर आता है, बस इतना। ओके सर, अब आगे चलता हूं मैं। एक केस तो इसमें मैं इसी में ही केसेस को डील करता हूं, तो मैं यहां पे डिलीट कर लेता हूं। अभी लिखो केस टू। अभी हम लिख रहे हैं केस टू। केस टू पे मैं बोल रहा हूं अब हमारे पास वीएस वेरिएबल है। अगर वीएस वेरिएबल है तो ये वीएस कहीं ना कहीं तक वेरी कर रहा होगा। यस सर। तो जैसे मैं बोला 5 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक वेरी कर रहा होगा, VS मिनिमम से लेकर VS मैक्सिमम तक। लेकिन मेरे को मैक्सिमम से मतलब है कि मिनिमम से मतलब है, सो दैट टू ऑपरेट द ज़ेनर डायोड इन ब्रेकडाउन। पहले ये क्वेश्चन सुनना फिर रिप्लाई करना। मेरे को VS मैक्सिमम से मतलब होगा सर्किट पे कि VS मिनिमम से मतलब होगा सो दैट ये ब्रेकडाउन पे चला जाए। मिनिमम से किससे? मिनिमम। वेरी गुड, यही रिप्लाई सही था। अगर ये 5 वोल्ट में ब्रेकडाउन चला गया बेटा, अगर मैं 5 वोल्ट यहाँ पे दिया और ये ब्रेकडाउन पे चला गया, तो ये पक्की बात है कि 6 वोल्ट में भी ब्रेकडाउन होगा, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 में भी होगा ब्रेकडाउन। यस सर। चेक कर लेना, न्यूमेरिकल कराया था जिसमें ये ब्रेकडाउन था जिस पर्टिकुलर वैल्यूज पे, उससे बढ़ाओगे अगर वीएस को बढ़ाओगे, अगर ये ब्रेकडाउन पे है किसी वीएस की वैल्यू के लिए, तो अगर वीएस को बढ़ाओगे तो डेफिनेटली ब्रेकडाउन पे रहेगा ही रहेगा। तो मेरा क्रिटिकल पैरामीटर क्या है? क्रिटिकल पैरामीटर जो डिसाइड कर रहा है रेगुलेशन पे है, This is the critical voltage. This is the critical voltage which is deciding Zener in रेगुलेशन। इंपॉर्टेंट थिंग है इसको, इसको बहुत बार इंपॉर्टेंट नोट करके लिखो। वो मिनिमम वोल्टेज ही है जो डिसाइड करेगा कि ज़ेनर डायोड किस में वर्क कर रहा है रेगुलेटर पे। हो गया? यस सर। अगर यहां से वोल्टेज को मैं कम करूंगा, देखो ध्यान से एक बार, मैं जानता हूं कि अभी हमने पढ़ा था जस्ट आई एस इज इक्वल टू वी एस माइनस ऑफ वी जेड डिवाइड बाई आर एस। देखो ध्यान से एक बार, अगर मैं वी एस को कम करता हूं, वी एस को कम करता हूं, अगर वी एस कम हो रहा है तो आई एस क्या होगा? कम होगा। बहुत लोग को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों पता है? मेरे को समझ में नहीं आता इतने तेजस्वी लोग कहां से है। मेरे को लगता है या तो मैं इस प्लैनेट का नहीं हूं या तो आप लोग इस प्लैनेट के नहीं हो। कई लोग इसी में सोचते रह जाएंगे कैसे ये कम हो रहा है तो आईएस कम हो रहा है। अरे एक बार बोल दिया ना, खत्म करो। अगर वीएस बढ़ा तो आईएस बढ़ेगा। आपको पता इसी में डाउट अराइज कर दिया था क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट ने, सर कैसे प्रूव करो। मैंने बोला हाँ यही करने के लिए तो आया हूं मैं, क्लासरूम पे हुआ था, ऑनेस्टी से बोल रहा हूं। उनको समझ में नहीं आ रहा था वीएस को घटाने से आईएस कैसे घटेगा, वीएस को बढ़ाने से आईएस कैसे बढ़ेगा। मैं बोला गजब बात कर दिया भाई, छोड़ दे इन लोगों को, रहने दो यार। हाँ, मैं बोला ऐसे देखो यहाँ पे, फॉर वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस सर्किट फॉर वीएस, अगर वीएस की वैल्यू कम है, अगर
अगर वी एस की वैल्यू कम है तब क्या होगा, आइए इस बताओ। कम होगा, आई एस कम, तो आई एस मिनिमम कम फ्लो होगा। यहां से कम आया, लोड में तो कांस्टेंट जाएगा ना। यस सर। क्यों? क्योंकि एक ही चीज वेरी कर रहा है, तो आई एल विल बी फिक्स। इधर से कम आया, इधर कांस्टेंट गया, तो आई जेड क्या हुआ, कम ही जाएगा। यस सर। ठीक है इतना। नेक्स्ट वन, फॉर वी एस मैक्स, अगर वी एस मैक्सिमम है तो आई एस क्या होगा? मैक्सिमम, आई एस मैक्सिमम इज इक्वल टू, तो फिर आपके पास बोल सकते हो उधर से जब मैक्सिमम आएगा मैक्सिमम जाएगा और आई एल विल बी फिक्स्ड। यस सर। प्लस ऑफ आई एल विल बी फिक्स्ड, ये हो गया। अभी नोट कर लो यहां तक जल्दी क्विकली, एंड ये इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, याद नहीं करने का जरूरत है, समझने का जरूरत है। बहुत लोग रट रहे होंगे, बैठो रटो आराम से, आ जाओ लेट्स लर्न बाय हार्ट, है ना। लेट्स लर्न बाय हार्ट। अब ऐसे पढ़ेंगे, आई एस मैक्स बराबर आई एस मैक्स, पता नहीं, आई एस मैक्स बराबर आई जेड मैक्स प्लस आई एल फिक्स, आई एस मैक्स इज इक्वल टू आई जेड मैक्स प्लस आई एल फिक्स, आई जेड मैक्स इज इक्वल टू आई एस, पता नहीं, ऐसे बैठ के पढ़ रहे होंगे। क्या है गधे, सब गधे हम सब, मेरे को छोड़ के ऐसे, तो मैं तो देखा हूं ना पढ़ते हुए यही कैरेंडेवर में, मतलब ऑफिस कैरेंडेवर के बाहर, के ऑफिस के बाहर सब लोग बैठ के, भाई तुझे पता चला ये कैसे आया, भाई तुझे बताना कैसे आया यार, क्लास में तो समझ में नहीं आया। गधे, जब मैं क्लासेस में जब मोस्ट इंटेलेक्चुअल बंदा जब तुझे पढ़ा रहा था, तब जब तुझे समझ में नहीं आया तो तेरा दोस्त क्या पढ़ाएगा तुझे, जो कि खुद नहीं निकाला है। यस सर। पता नहीं दोस्तों से पढ़ने लग जाते हैं, अरे भाई तुम दोनों ने फीस दिया, तू भी पढ़ रहा है वो भी पढ़ रहा है, इतने क्या मतलब, मैं नाम नहीं बोलना चाहता, ऐसे ऐसे कैसे कैसे लोग, भाई आज ना क्लासेस में जो सर ने पढ़ाया ना समझ में नहीं आया, तेरे को आया, उसको खुद नहीं आया, लेकिन क्या बोलेगा, हाँ आया है। क्यों पता है? क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करना चाहता है, हाँ आया है करके, खुद नहीं आया उसको, और दूसरे का अच्छा चल मैं बता देता हूँ, वो लिखे लिखे को पढ़ के बता देगा वापस, दूसरे से पढ़ेंगे। अरे खुद से तो पढ़ाई हो नहीं रही, दूसरे से पढ़ेंगे हम। आप ऐसा कोई मैथमेटिकल फंक्शन जानते नहीं हो जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज कर रहा हूँ, सबको जानते हो, फिर भी हम लोग होशियार है, हम बहुत होशियार है ना। केस थ्री आप खुद कर लोगे, अगर आर एस वेरिएबल है, ध्यान से देखो, अगर सिर्फ और सिर्फ आर एस वेरिएबल है, अगर आर एस को मैं कम करूंगा तो आई एस बढ़ेगा, आर एस को बढ़ाऊंगा तो आई एस घटेगा, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, सेम। ओके सर। अगर मैं आर एस को कम से लेकर ज्यादा तक वेरी करूंगा बेटा, तो यहाँ पे आर एस को कम करोगे तो आई एस बढ़ेगा, आर एस ज्यादा करोगे तो आई एस घटेगा, तो एक्सप्रेशन विल बी सेम। तो केस थ्री खुद से करना है, रिजल्ट एंड कंक्लूजन एवरीथिंग इज द सेम। हो गया इतना? यस सर। यस सर। अभी देखो, मैं आपको टोटल 10 से लेकर 15 न्यूमेरिकल कराऊंगा, किससे, कौन से टॉपिक से बेस्ड, 10 टू 15 रेगुलेटर पे बेस्ड न्यूमेरिकल, रेगुलेटर पे बेस्ड। अब आप देखोगे अपने डायोड के असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 10, जल्दी डायोड असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 10, डायोड असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 10, पावर रेटिंग ऑफ जेनर डायोड कितना गिवन है? 400 मिलीवोल्ट। आईजेड मैक्स, सो व्हाट इज वीजेड, आरजेड तो नहीं दिया हुआ है, बट वीजेड दिया हुआ है जेनर डायोड का,
यस सर। तो 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट सो व्हाट इज आई जेड मैक्स आप देख सकते हो हर चीज के लिए नेटवर्क थ्योरी। देखो नेटवर्क थ्योरी में फॉर्मुला लिखा था पावर का फॉर्मुला वी इंटू आई वी डी इंटू आई डी जो भी है हर चीज के लिए। अगर आप एनालॉग में एक भी स्टेप आगे जाना चाहते हो तो हर स्टेप के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट हो गया देख सकते हो आप नेटवर्क थ्योरी। लेकिन हम नेटवर्क थ्योरी में ध्यान क्यों देंगे क्यों क्योंकि हमें आज तक तो कहीं पे भी किसी भी बंदे ने चाहे वो इधर उधर की कहीं से भी बातें आपको पता चली होगी आज तक आप लोगों ने कभी नेटवर्क थ्योरी के बारे में सुना ही नहीं था और आप लोगों को कभी पता ही नहीं था कि नेटवर्क थ्योरी का इतना यूटिलिटी है। और आप कहीं से भी पढ़ लो वो सब लोग ना डायोड या ओपैम्प या बीजेटी कहीं से शुरू करते हैं सब लोग इसी को स्टार्ट करते हैं भाई करके। यस सर। आपको पता है मतलब सैदरन स्मिथ की बुक उठा लेके लेके आ जाएंगे यहीं पे ये उसी को देख देख के इसको देखा है जैसे एक लाइन देखा चल लिखता हूं मैं चल एक लाइन देखा इसका चल लिखता हूं मैं सर यही करते हैं हमारी तरफ। अरे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं तो वो कहां मतलब आप हाँ आप जिस प्लेटफॉर्म पे हो अभी लिटरली ये बहुत सही प्लेटफॉर्म है आपने सही जगह पे एडमिशन लिया हुआ है ठीक है बस मैं अपनी बात रख दिया। अब आप सबका ओपिनियन तो अलग अलग होता है बट मैं जो जानता हूं वो बता दिया आपको मैं इसी फील्ड से उसे ले तो क्या है ना पता है ऐसे कैसे पढ़ाते हैं भाई मैंने देखा है आपको पता है ओपैम का फेज क्या तरीके से निकाला था भाई लोगों ने फेज खत्म कर दिया था मेरे को तो मैं खुद में डाउट अराइज हो गया था जब ओपैम का नेट आया था ना तो बहुत लोगों ने डाल दिया था सॉल्यूशन मैं बोला ऐसे तो फेज मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं निकाला है ये कैसा फेज निकाला है करके ओपैम में सर वो रेजिस्टेंस 222 ओम है। ओके हो गया अभी प्लस माइनस ऑफ दिस इज 10 वोल्ट ये आरएल दिया हुआ है क्या द वैल्यू ऑफ आरएल टू स्टेबलाइज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन अक्रॉस ज़ेनर डायोड ये आईएल है ये आईजेड है एज पर कन्वेंशन और ये क्या आईएस ध्यान से देखो अभी क्या-क्या कांस्टेंट है देखता हूं मैं वीएस कांस्टेंट वीजेड कांस्टेंट 222 कांस्टेंट सो व्हाट इज आईएस फिक्स ये फिक्स है ना यस यस हाँ फिक्स बताओ कितना है मेरे को लग रहा है 45 मिली एम्पियर आ रहा होगा 20 माइनस 10 बाई ट्रिपल टू 0.045 मतलब 45 मिली एम्पियर 45 मिली एम्पियर यस सर 45 मिली एम्पियर जब तक ध्यान से सुनो जब तक है जा क्या बोला जब तक है जा एक गधे काहे का जब तक है जा जब तक ज़ेनर डायोड में N से लेकर P में करंट नहीं फ्लो करवा देते तब तक सब कुछ यथार्थ सत्य नहीं है। यस सर। ओके हाँ तो ये करंट फ्लो करवाओ जब तक है जहां बोलेंगे हम हैं हट इधर आओ उतना करंट आया अच्छा तो ये जो रेंज ऑफ दिस करंट इज व्हाट रेंज ऑफ दिस करंट इज व्हाट आई जेड मिनिमम से लेकर आई जेड मैक्सिमम तो बोला आप ना बोला है कि उस कंडीशन में आरएल निकाल लो जबकि ज़ेनर डायोड में पावर कंजम्पशन क्या है मैक्सिमम माना यस सर आप आरएल की वैल्यू निकालो मान लिया लेकिन तब जब ज़ेनर डायोड का पावर कंजम्पशन कितना है मैक्सिमम तो उधर से 45 आया आईजेड में आईजेड मैक्स गया तब जाके ज़ेनर डायोड का पावर मैक्सिमम हुआ जो कि 400 था प्लस ये मैंने निकाला आईएल। अब IL को फिक्स बोलो चाहे जो बोलना है बोलो I don't care at all what is IZ max 40 milliampere so what is IL needed to flow when this is having maximum power consumption 5 milliampere देखो बच्चों ये वाला वोल्टेज VZ के बराबर है क्योंकि ये ब्रेकडाउन पे जा चुका है करंट फ्लो हो रहा है तो ये वाला वोल्टेज कितना है 10 वोल्ट ये 10 वोल्ट है और करंट कितना फ्लो रहा है ये आईएल 5 मिली एंपियर बात खत्म हो गया आंसर बताओ 2 किलो ओम वोल्टेज जानते हो रेजिस्टेंस वोल्टेज जानते हो करंट जानते हो व्हाट इज आरएल 50 नो सर सॉरी 2 निकिता बेटा आपको ना आपको अपना
नर्वसनेस क्या बोलते हैं, नर्वसनेस बोलते हैं ना उसको, हाँ यस सर, हाँ वो कंट्रोल करना पड़ेगा वरना पेपर खराब होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। गुड एडवाइस फ्रॉम माय साइड, आप अपने आप को बहुत ज्यादा काम रखो, ओके सर, बहुत शांत रखो लाइक भगवान श्री कृष्ण, ऐसे एरर नहीं होगा, ओके सर। देखो इधर पे आ गया क्या, ये देखो वी पता है, आई पता है, आर निकाल लिया, क्या अप्लाई किया, देखा ओम्स लॉ अप्लाई किया, केवल अप्लाई किया, केसल अप्लाई किया, ओम्स लॉ अप्लाई किया, आंसर आ गया, यस सर। आंसर आने के बाद ऑप्शन को मैं ही देखता हूं, नहीं तो फिर कभी नहीं देखता, ठीक है। ये पहला न्यूमेरिकल था जिससे हमें कुछ तो समझ में आया अबाउट व्हाट, जेनर डायोड एज रेगुलेटर सर्किट। अब मैं बोल रहा हूं ओनली In today's class, we are only doing a practice of Zener diode as a regulator circuit. Let's solve question number 14. Let's solve question number 14. क्वेश्चन नंबर 14 देखो, उसमें गिवन डेटा को लिखेगा आप लोग, आईएल मिनिमम जानता हूं मैं इज इक्वल टू 100 मिली एम्पियर, IL max भी मैं जानता हूं, मतलब अगर ये लोड करंट को वेरिएबल बोलता है तो ये फिक्स बात है कि लोड रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा, अगर लोड करंट वेरिएबल है मतलब ये फिक्स बात है कि ये हमें इंफॉर्मेशन हिडन थी जो हमने फाइंड आउट कर लिया, फाइंड आउट क्या करना है यार, दिखता ही है, यस सर, हाँ, लेकिन हमको अच्छे से पता है कि क्या आपको IZ मिनिमम गिवन है, यस IZ मिनिमम गिवन है और वो पहले से ही बोल दिया जीरो, और अगर जीरो नहीं दिया होता तो मैं लेता, यस सर। बताओ आईजेड मैक्स कितना दिया हुआ है, नहीं पता, आईजेड मैक्स किसी को नहीं पता होता, तो क्वेश्चन मार्क। वीजेड दुनिया के हर एक जेनर डायोड के न्यूमेरिकल में 99% वीजेड की वैल्यू गिवन होगी, कितना गिवन है, 5 वोल्ट। मैं बार 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 कह रहा हूं आपके एग्जाम पे जो भी क्वेश्चंस आएगा वो कॉपी से आएगा, इवन असाइनमेंट से भी नहीं आएगा, कॉपी में जो लिखा है ना आपने, मतलब मैंने जितने बार बोर्ड पे लिखा आज तक, जितने बार क्या मैं कुछ भी लिखूं बोर्ड पे वही आएगा, नहीं एग्री करते नो प्रॉब्लम, एग्जाम दो फिर रो, एग्जाम दे के रो, अरे यार सही बोलता था वो बंदा, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, एग्जाम दे दोगे ना तब याद करोगे आप। मैं क्या बोल रहा हूँ पता, इवन ये असाइनमेंट भी मत पढ़ो, जितना मैंने आज तक बोर्ड पे लिखा है क्वेश्चन आंसर डेरिवेशन उसी से ही आएगा, देख लेना। अब आप बोलोगे इवन देखो मैं इलेक्ट्रिकल और ईसी वाले को पढ़ाना बंद कर दिया था, लेकिन जो जो प्रिडिक्ट आपकी क्लास में किया था वही सेम अगर उन लोग यहाँ पे आ जाते ना इंजीनियर्स लोग पढ़ने के लिए, कोई भी इंजीनियर्स पढ़ने के लिए अगर आ जाता वो बोलता यार ये जो पढ़ा है वही तो दिया, लग रहा है यही पेपर सेट कर रहा है क्या, डेटा बस तो बदल दिया इसने, यस सर, हाँ ये RL है, लेकिन हमको पता चल गया RL क्या है, वेरिएबल हमको क्या निकालना है, ये वाला R निकालना है क्या, यस सर, ऐसे जितना अच्छे से लिखोगे इनिशियल स्टेज पे उतना अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी है। हाँ ये जो करंट आता है हम रिप्रेजेंटेशन वाइज सारे करंट को जानते हैं, ये है हमारे पास IS, जेनर डायोड में जो करंट फ्लो होता है वो है IZ, सब कैपिटल बिकॉज DC, और ये है IL, देखो ये कांस्टेंट है 12, ये भी कांस्टेंट, ये भी फिक्स है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं क्या जो IS जो आ रहा होगा वो फिक्स है, यस सर फिक्स होगा सर, क्या फिक्स होगा, क्या फिक्स होगा, फिक्स, अच्छा फिक्स बोला मैं, बोला क्या फिक्स होगा, दिखता नहीं रहा सिक्स, इसको ढूंढने लग रहा था सिक्स तो है नहीं तो फाइव, देखो इधर पे IS फिक्स,
तो हमारे पास दो एक्सप्रेशन है, अगर यहां से कांस्टेंट आता है तो दो पॉसिबिलिटी, ज्यादा कम, कम ज्यादा। देखो याद करा दिया, मजा आया। देखो यहां से कांस्टेंट है, ज्यादा जाएगा तो कम बचेगा। अगर दो भाई है, एक ही रोटी है, एक भाई ज्यादा रोटी खाएगा तो एक को कम मिलेगा, ऑब्वियसली। तो कांस्टेंट फ्लो ऑफ रोटी हियर, ज्यादा रोटी फ्लो हियर, इधर कम। क्या बात है सर। अब प्रॉपर्टी में सपोज इमेजिन करो, देखो माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत लिगेसी सबको अच्छी लगती है। तो इमेजिन करो, अब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है, इमेजिन करो एक भाई 3 करोड़ लेगा तो एक को तो 2 ही करोड़ मिलेगा ना। यस सर। हाँ तो वही है। और एक भाई पूरा ले लेगा, ये पूरा जेनेट है और एक बड़ा भाई है, इमेजिन करो। आजकल तो ऐसे ही हो रहा है ना, आजकल डिवाइड एंड रूल करके, तो पूरा का पूरा अगर ये ले लिया तो उसको क्या मिलेगा? ये जब ये पूरा ले लेगा ना तो ये अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगा। पूरा पूरा जो उसका नाम है 5 करोड़ की प्रॉपर्टी, सब 5 करोड़ की प्रॉपर्टी यही ले लिया तो पूरा पूरा डेसिपेशन यही ले लिया, पूरा अकेला ले लिया। ओके इतना अब याद रहेगा, अब मत पूछना कभी भी, अब दोबारा मत पूछना। सर जेनेट डायोड को रिच मैन बना दिया। जेनेट डायोड को क्या बना दिया? रिच मैन। हाँ तो वही ना, वही सब कुछ तो यही कर रहा है। ये फर्जी, ये फर्जी, ये फर्जी, सब कुछ तो यही कर रहा है। लेकिन ये है एक और चीज, देखो ये जेनेट डायोड हो, ये हो, चाहे कोई भी हो, उनका एग्जिस्टेंस पेरेंट्स की वजह से, तो यही है सप्लाई वोल्टेज। आगे देखो, अभी हो गया IS फिक्स आया। अब मैंने बोला अगर जेनेट डायोड में कम करंट गया तो लोड में करंट कितना हो जाएगा? मैक्सिमम। एक और एक्सप्रेशन है आपके पास, अगर इनफ्लो कांस्टेंट हो जाता है तो IZ मैक्सिमम हो जाएगा, और IZ मैक्सिमम तभी फ्लो होगा जब लोड में कम करंट जाएगा। IL मिनिमम। मिनिमम। अब इसको यूज करो चाहे उसको यूज करो। अब देखो IZ मैक्स दिया हुआ है क्या? देखो IZ मैक्स कभी नहीं पता होता, ये नहीं पता, ये क्या है बोलो ना यार जल्दी। नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। NAIPATA ओके। लेकिन IZ मिनिमम अगर नहीं दिया होता तो जीरो लेता, बट ये तो दे दिया। यस सर। और IL मैक्स कितना दिया हुआ है? 500 मिलियन। तो व्हाट इज IS फिक्स बराबर? 500 मिली एम्पियर। IS फिक्स बराबर 500 मिली एम्पियर। ओके 500 मिली एम्पियर। व्हेन करंट इज इन मिली एम्पियर, रेजिस्टेंस हैज टू बी इन किलो। अब ये IS फिक्स ध्यान से देखकर बताओ किसके बराबर है? 12 - 5/R 12 - 5/R where R is in kilo ohm because that current is in milliampere. Answer. Yes sir. अरे answer पूछा, answer. 0.14 kilo ohm. कितना बेटा? 0.014 kilo ohm. Convert that one into ohm. 14 ohm. हो गया question खत्म। हो गया question क्या? खत्म। खत्म टाटा bye bye. ठीक है। आगे देखो ये IS फिक्स कितना था अभी के हिसाब से? IS फिक्स देखो 500 मिली एम्पियर। ये है अब नीचे वाला स्टेप अप्लाई कर रहा हूं। IZ मैक्स नहीं जानता था। यस सर। IL मिनिमम जानता था, कितना था IL मिनिमम? 100 मिली एम्पियर। सो फ्रॉम नाउ वी कैन take the value of IZ max as how much? 400 million. So what is the maximum power dissipation if somebody is going to ask me? What is PZ maximum? Is minimum power rating bola, minimum Pmax. Minimum power VZ into IZ max, बोलो ना कितना आ गया? 5 × 4 तो 2000 मिलीवॉट, मतलब 2 वॉट। यस सर। ध्यान से सुनते रहना, दूसरी बार बताऊंगा नहीं बता दिया हूं मैं। इमेजिन करो मैं ये न्यूमरिकल ना किसी भी को दे देता हूँ, किसी भी को दे दू, किसी भी को बोला क्लियर? yes, किसी भी को। yes, sir. उसका यही आंसर आएगा किसी भी को। लेकिन मेरे स्टूडेंट का आंसर बताओ,
इधर से जो पूरा का पूरा कितना आ रहा था करंट, ये वाला, अब बताओ आर की वैल्यू पुट करने के बाद ये करंट कितना आ रहा है? 14 ओम. आर 14 था बेटा, तो आईएस कितना आया? अब बताना आईएस बराबर ये आ रहा है 12 माइनस ऑफ 5 डिवाइड बाय 14 ओम. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईएस? 0.5 500 मिलियन. पक्का 500? ठीक है, तो ये आ रहा है. अगर मेरे को सॉल्व करने को बोलोगे तो ध्यान से देखो, अगर मुझे एग्जाम पे दे दिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीजेड मैक्सिमम पावर डिसिपेशन या मिनिमम पावर रेटिंग, तो मैं बोलता ये करंट 500 है, 500 यहीं चला गया, 2500 मिली वॉट आएगा, 2500 मिली वॉट. दिख रहा? यस सर. यस. लोड को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा. लेकिन अगर किसी भी को सॉल्व करने को दे दोगे वो यही सॉल्व करेगा और यही आंसर लेके आएगा. लेकिन आपको पता चल गया करेक्ट आंसर क्या है? यस सर. ठीक है, ये आंसर 90% 99.99% लोग यही आंसर लेके आएंगे कि भैया मैक्सिमम पावर डिसिपेशन निकालना है तो ये जो मैक्सिमम आईजेड मैक्स निकाल लो. आईजेड मैक्स कितना आ गया था देख लो, आईजेड मैक्स कितना था यहां से? 400. लेकिन जो हम निकाल रहे हैं ना बेटा, ये देखो क्या लिखा हुआ है, जल्दी पढ़ो ना. इन दैट केस व्हाट इज पीजेड मिनिमम पावर रेटिंग या मैक्सिमम पावर डेंसिटी? वीजेड इनटू आईएस. 500 इनटू 5 तो ये आ जाएगा 2.5 वाट. यस सर. अब एग्जाम पे अगर डेटा टाइप इस बार आया था, डेटा टाइप फिल इन द ब्लैंक वाला न्यूमेरिकल, और आईसी मुंबई ने अब तक तो दिया नहीं है, लेकिन उस टाइम पे वो क्वेश्चन इतना इजी था बेटा, उसमें क्या था ना, गलत भी करोगे तो भी सही आ रहा है, समझ रहे हो? Yes. उसमें अगर गलत करोगे तो इनफिनिटी आ रहा है, तो इनफिनिटी तो टिक नहीं करोगे, एनएटी वाला है. इतना मतलब इतना बड़ा इत्तेफाक था, मैं बोला यार काश तू ना उसको उसमें दे देता ऑब्जेक्टिव में तो मजा आ जाता, लेकिन उसने क्या कर दिया था, एनएटी दे दिया था. अब एनएटी में इन्फिनिटी आंसर तो आता नहीं है. Yes, sir. क्योंकि लोग गलत कर रहे थे. तो बस फाइनली कंक्लूजन क्या, उसको सुनते रहना. अगर फिल इन द ब्लैंक वाला न्यूमेरिकल है तो आंसर कितना पुट कर? अगर ऑब्जेक्टिव है, इमेजिन करो, और आंसर दिया है 1 वॉट 2 वॉट 3 वॉट 4 वॉट, आंसर क्या टिक करोगे? यही टिक करोगे, मजबूरी है अब तो. Yes, sir. 1 2 3 4. और अगर ऑप्शन में ऐसा लिखा हुआ है 1.5 वॉट, 2.5 वॉट, 2 वॉट, 4 वॉट, तब क्या करोगे? 2.5. Yes. क्योंकि पता है, आप बोलोगे सर इतना सारा ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि सामने वाला बंदा अगर पेपर सेट कर रहा है तो उसको पता होना चाहिए कि सही आंसर क्या है. Yes, sir. ठीक है, तो मैंने बता दिया बाई मी एंड दिस इज बाई एनी वन एल्स. ये देख लो, अभी बताया था रिसेंटली आपको, सब कुछ एज इट इज लिख लो जल्दी जल्दी, सब कुछ एज इट इज लिख लो जल्दी जल्दी. लिख लिया? डन सर. मैं बोल रहा हूं आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 2 to 3 मिनट. सॉल्व क्वेश्चन नंबर 23. करो.
you are being provided with the value of iz. अब iz max already given दे दिया, तो फिर इसके आगे मैं जा ही नहीं सकता. Yes sir. ये ऑलरेडी दे दिया ना बेटा IL IZ max, तो इसके आगे मैं कुछ भी करके IL max निकाल ही नहीं सकता. What is IS? Calculate करके बताओ कितना आ रहा है? 125 million. Good. निकालना नहीं पड़ेगा. 6.3 minus of 4.8 divide by 12. This is how much? 125 million. Okay. इधर देखो अभी. वो fixed current आ रहा है. देख सकते हो आप. IS fix बराबर two expression. देखो हमको given है IZ variable है. ये तो IZ variable all the time होता है. What is the range of possible load current? तो ये हो जाएगा IZ minimum plus IL क्या maximum इतना हो गया अभी. तो IZ minimum given है क्या? Yes sir. Yes sir. IS fix ये भी हमारे पास 125 है by default milliampere. ये वाला हमारे पास 5 given है milliampere. So what is IL max? Just tell me now. 120. अब हम ऐसे बोल सकते हैं IS fix वो आ रहा है अभी अगर लोड करंट मैक्सिमा के बदले मिनिमा हो जाए प्लस IZ मैक्सिमा हो जाएगा अभी. तो नाउ टेल मी द वैल्यू नाउ. 25 ये अच्छा टोटल आंसर बता रहे हो क्या? यस सर. 125 था. IZ मैक्स कितना गिवन है? 100. So what is IL minimum? 25 क्या? Milliampere. आंसर आ गया? Yes sir. आगे देखो. Let's talk about PZ minimum power rating. Minimum power rating कितना आएगा? चलो बताओ. Simple VZ into IZ. अरे गधो 600. बोलो ना. अरे कितना आया VZ? 4.8 into what is IZ max? देखो दी given है कितना? 400. हाँ तो 4.8 into 100 कितना आया? 40. 0.48 वॉट मिली वॉट आ रहा है क्या? 480 मिली. क्या? 480 मिली वॉट. 480 मिली वॉट आ रहा है. 480 मिली वॉट. ओके 480 मिली वॉट. 480 पक्का सही है? बोलो जल्दी. यस सर. देखो इतना ही तो होगा यार. इतना सोचना क्या आप लोग को? अभी बताया फिर भी नाटक कर रहे हो. दिस इज बाय एनी फैकल्टी अदर्स. बाय अदर्स बाय एनी फैकल्टी लिख दे रहा हूं. ओके व्हाट इज द वर्स्ट केस पावर? पी जेड वर्स्ट केस पावर. दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है इसके साथ? सुनो ना ध्यान से गधो. इसके अक्रॉस वर्स्ट केस पावर क्या हो सकता है कि सर लोड ही हटाना, अगर लोड लगाना ही भूल गया कोई बंदा, इमेजिन करो लोड लगाना ही भूल गया तो लोड हट गया. यस सर. तो सारा जो करंट आ रहा था 125 मिली एम्पीयर यही चला गया. हाँ तो yes, तो गुलशन सर के हिसाब से बाय मी, मैं अपना को तो करूंगा बाय गुलशन सर. Yes,
गुड एंड जो मैं करूंगा ना वही दो लोग करेंगे, एक तो प्रिसाइसली आईआईटी कानपुर और दूसरे नंबर पे आईसी बैंगलोर, यही दो करेंगे। मैं खुद वहां का हूँ और आईसी बैंगलोर के बारे में मुझे पता है, इंटेलेक्चुअल ब्रेन वहां पे बहुत ज्यादा है। तो इधर देखो अभी, अब करो बताओ। So, मैंने बार बार बोला था बेटा कि वही पूरा चले जाए तो इससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। यस सर। चलो बताओ अभी 600 4.8 अच्छा इनटू 125 मिली एम्पियर व्हाट इज द आंसर नाउ 600 मिली वॉट 600 मिली। अब पूछना मेरे से कभी भी, ठीक है, अगर ऑप्शन पे वो 600 मिली वॉट दिया ही नहीं है तो मेरी मजबूरी है ये टिक करने की, ठीक है। यस सर। यस सर। एक और चीज है, अगर आपको वेरीफाई करना है ना तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओगे ना तो मैंने ज़ेनेडाउट का वो न्यूमेरिकल डाल दिया और बोला कि इंडिया में जितने लोगों ने सोल्यूशन उसका प्रोवाइड किया हुआ है सब गलत है, एक और मैं हूँ और एक चंद्रकांत सर है, मैंने उनका नाम पहले भी लिया हुआ है क्लास में, एक मैं हूं और चंद्रकांत सर है, बाकी सब लोगों ने उसका आंसर गलत दिया, इवन आईआईटी वालों ने खुद आंसर गलत दिया, लेकिन हम क्यों मानेंगे, हमें थोड़ी पता कि गुलशन सर पे इतना विश्वास कैसे, अगर विश्वास हो जाएगा तो नेट नहीं क्वालिफाई हो जाएगा। यस सर। 30 मार्क्स तो मैं ही दिलाऊंगा। यस सर। 25-30 मार्क्स तो मैं ही दिलाऊंगा, लेकिन मानोगे तब तो, नहीं मानेंगे हम क्यों माने, ये तो बड़ा यंग है, इसके पास इसके तो बाल भी सफेद नहीं हुए, ये तो मोटा भी नहीं है इतना, है ना, तो पतला दुबला है और बाल सफेद नहीं है इसको तो, और क्या बोलना चाहिए, इसके तो व्रिंकल्स नहीं आए अभी फेस में, तो हम कैसे मान ले ये एक्सपीरियंस है ना, बोलो बोलो। यस सर। इसका शादी भी नहीं हुआ अभी तक। हां तो नौटंकी नहीं, इधर चुप रहे, अभी इधर सॉल्व कर, चल कमेंट पास करेगा तू, सॉल्व करो इसको, मैं ही बस बोलूंगा ज्यादा, बस आपको सुनने का काम करना है। यस सर। वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट में क्वेश्चन पे हमेशा लिखा रहेगा कि गिवन रेगुलेटर सर्किट, हाँ मोस्टली बेटा मोस्टली रेगुलेटर सर्किट में दिया हुआ रहता है कि ये रेगुलेटर सर्किट है, लेकिन आपको पहचानना भी तो आना चाहिए ना, पहचानना भी तो आना चाहिए। ओके मजेदार, क्वेश्चन नंबर 2 करें। यस सर। चलो ट्राई करो, ए इस क्वेश्चन के बाद क्लास ऑफ करूंगा मैं, बस लेट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 एंड वी आर गोइंग टू मेक द क्लास ऑफ आफ्टर दिस न्यूमेरिकल, कंटिन्यू टुमारो। कंटिन्यू टुमारो। इस सर्किट को मैं थोड़ा रीड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे आगे पीछे करके वायर को मैं ट्विस्ट कर सकता हूं। बेटा ये 10 ओम नहीं है, वो 10 ओम नहीं है, कितना है वो देखो, 10 ओम नहीं है वो, 100 ओम है, 100 है, मेरे को जितना मैं रिकॉल कर सकता हूं वो 100 है। इसमें रेगुलेटर सर्किट कहीं लिखा नहीं है, बट हम देख कर समझ कर एक्सपीरियंस के थ्रू बोल सकते हैं कि रेगुलेटर सर्किट है। यस सर। इसका नाम है आई ऑफ एल ओ ए डी लोड, ये 100 ओम है, दुनिया में सारे ज़ेनर डायोड का वोल्टेज रेगुलेटर रेटिंग दिया होगा एंड दिस इज 10 वोल्ट, ठीक है, ग्राउंड दे दिया कोई बात नहीं, ग्राउंड दिया तो ले लो। ओके क्या दिया हुआ है मैं देखना चाहता हूँ एक बार, क्या दिया, तो मेंटेन 5 वोल्ट अक्रॉस आरएल, ये 5 वोल्ट है तो यहाँ पे कितना बोल रहा है, 5 वोल्ट मेंटेन करने को बोल रहा है, 5 वोल्ट मेंटेन करो। व्हाट इज द मिनिमम पावर रेटिंग ऑफ ज़ेनर डायोड दोस्तों, पीजेड मिनिमम रेटिंग, क्या ये मिनिमम रेटिंग को ही हम मैक्सिमम पावर डिसिपेशन बोलते हैं? यस सर। अच्छा ये पूछा है क्या? ओके पूछा है, मेरे को लगा दिया हुआ है, पूछा है ओके। ये बताओ इसको ये करंट आईएस है? यस सर। कितना है? 10 5 100 10 5 5 by 100 50 मिली। एंड अगर आप गुलशन सर को फॉलो करते हो, देखो ध्यान से एक बार, अगर आप मुझे फॉलो करते हो 50 का 50 यहीं पे भेजो, तो व्हाट इज पीजेड मिनिमम, अच्छा पीजेड मिनिमम रेटिंग, मिनिमम रेटिंग 250 मिली। अगर आप मुझे फॉलो करते हो तो क्या करोगे, पूरा उसको पकड़ के यहीं पे भेजोगे? यस सर।
लोड को क्या करोगे? बाहर गेट लॉस्ट बोलोगे, क्या बोलोगे लोड को? निकल, गेट लॉस्ट। हाँ आगे नहीं बोलना है, निकल ऐसे आगे नहीं बोलना है, पहली फुर्सत में निकल ऐसे बोल सकते हो आप, पहली फुर्सत में निकल, निकल गया तो पूरा करंट यही चला गया, कितना आ गया यार बोलो ना। 5 into पूरे साल मेहनत करता हूँ बेटा आप लोग के लिए, देखो कितना आया, 250 मिली वॉट ये हो गया मिनिमम पावर रेटिंग। अच्छा लेकिन एक चीज और बोला हुआ है, बोला टू मेंटेन 5 वोल्ट द मिनिमम वैल्यू ऑफ आरएल, दूसरा पार्ट पार्ट बी, आरएल क्या बोल रहा है? मिनिमम, मिनिमम तो लोड करंट क्या होगा? मैक्सिमम। अच्छा वहां से कांस्टेंट फ्लो ऑफ करंट आता दिखाई देता है मेरे को, तो हमने बोला आईएस को फिक्स आने दो, वहां से फिक्स ही आ रहा है, और लोड में आपको क्या चाहिए, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस मिनिमम है तो लोड करंट मैक्सिमम है, तो यहां पे मैंने बोला आई एल मैक्स, तो ये मैक्स है, उधर से जो आया इधर मैक्स गया, तो इधर कितना गया? मिनिमम, मिनिमम आईजेड। एग्जैक्ट, अब आईजेड मिनिमम न्यूमेरिकल में ढूंढो, दिया हुआ है? यस सर। कितना दिया हुआ है? चुपचाप अभी सुनते रहेगा, ये मेरे को दिया है 10, ये मुझे पता है 50, तो इससे मेरा आई एल मैक्सिमम कितना आया? 40। और इस लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना दिख रहा है? V of the load resistance RL is equal to I of load current, I into RL. But from the concept of maximum minimum, whatever we are doing is nothing but to need calculate RL minima, load must be maximum. Maxima. अभी तो देखो ना बेटा, यहाँ पे constant. अरे यार ये तो गजब बात हो गई, क्या बोलो? गजब बात हो गई। हाँ तो गजब बात देखो बताता हूँ मैं, एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज नथिंग बट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला विद एन इसेंट्रिसिटी ऑफ रूट टू इज नथिंग बट व्हेन एक्स इज इंक्रीजिंग वाई इज डिक्रीजिंग एंड व्हेन वाई इज इंक्रीजिंग एक्स इज डिक्रीजिंग, दैट्स नथिंग बट दिस वन, सेम देख सकते हो, मजेदार। yes. ये ऊपर चला गया क्या? हाइपरबोला हो गया, ऐसे नॉलेज आया ऐसे करके ऊपर जा रहा है, मेरे तो अंदर से ही जाता है चाहे कोई भी वो हो। आपको ये पता चला 12वीं क्लास? यस सर। इसको ऐसा लिख दिया, एक ही बात है। अच्छा चलो छोड़ो यार, अब तो आंसर आ गया हमारा। ये लोड कितना था, ये वोल्टेज देखो 5, आई एल मैक्स कितना है? 40। यस सर। क्योंकि हमको ओम में पूछा है क्या, तो मैं इनटू 10-3 बोलूंगा इनटू आरएल की मिनिमम वैल्यू, मेरे पास आ गया न्यूमेरिकल। RL मिनिमम बताओ 125। ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा? यस सर। अब आप क्या करना, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स के वर्कबुक में ज़ेनेडाउट के जितने भी न्यूमेरिकल है उसको आज ट्राई कर लेना, अगर आप चाहते हो कि हम सीखें, सीखना चाहते हो तो बेटा देखो बच्चा ना क्या करता है, बेटा पहले ना जब बच्चा पैदा होता है तो उस दैट द इंस्टेंट तो वो दौड़ता नहीं है ना ही चलता है, तो जब 1 साल का या 9 महीने का होता है, नहीं 9 महीने से भी और ऊपर 10-12 मंथ्स तक का, तो वो ना चीजों का सहारा लेके चलता है इनिशियली। अभी आप सहारा लेके चल रहे हो तो आज जो सहारा है ना, मतलब एक सपोर्ट खत्म हो गया, फिर आप खुद से एक बार चलने की हैबिट डालो, इट मीन जैसे बच्चा चलना स्टार्ट करता है तो वैसे ही आप भी आज किसी बिना किसी सपोर्ट के बिना किसी सॉल्यूशन को देखे वो वर्कबुक, प्रीवियस ईयर वर्कबुक आपको मिल गया होगा, उसके न्यूमेरिकल को एक बार खुद से ट्राई करो। यस सर। मैं एग्जांपल्स एक वो इन्फेंट बेबी का एग्जांपल देता हूँ, जब वो एक मैच्योर लेवल पे कंप्लीट आ जाता है तब देखो उसको चलना नहीं आता लेकिन वो सीखता है, तो लाइफ में भी ऐसे ही करना पड़ेगा आपको। देखो ये सही बात है कि क्लासेस में अगर 200 बच्चे या 250 बच्चे आ रहे हैं उसमें से ना मेरी बातें जो सुनने वाले जो ब्लाइंडली सुनने वाले 50 का क्राउड है, और उस 50 का क्राउड में से 99% लोग लाइफ में डेफिनेटली अच्छा करेंगे, ये मेरी एश्योरिटी है, और मैं इवन उसको पेन पेपर से लिख के भी देने को तैयार हूँ। लेकिन बाकी जो 150 बच्चे हैं ना, ये 150 या 200 बच्चे हैं, उन लोगों को क्या लगता है पता, यार ये ना ये ज्यादा है, मतलब लाइक ही इज मोर पॉजिटिव, इतना नीड नहीं है,
कोविड के टाइम पे लोग डीमोटिवेट हो चुके थे, आपको पता है? यस सर। अब मेरा पॉजिटिविटी लेवल यहां तक था, तो कोविड के टाइम पे मेरा पॉजिटिविटी लेवल यहां तक चला गया, नथिंग एल्स। लोगों का पॉजिटिविटी लेवल ऑलरेडी यहां तक था, कोविड में के बाद खत्म ही हो गया वो। यस सर। तो भाई इट्स, देखो जैसे कि एग्जांपल मैंने वो यूट्यूब भी डाला था आपके एग्जाम के पहले, गेट एग्जाम में, उसमें एक एग्जांपल दिया था। पॉजिटिविटी सेम एज लाइक कि आप छाता ले लेते हो बारिश में। यस सर। इतना ही भीगना वहां पे भी है, तेज बारिश में वहां पे भी भीगोगे, लेकिन स्टिल बिना छाता लिए जाओगे और छाता लेके जाओगे, दोनों में जो डिफरेंस है वो नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स के बीच का फर्क है। यस सर। यस सर। एक एक बीमार इंसान को देखना, बीमारी ज्यादा तब लगती है जब उसको बार बार, भाई तू बीमार है, भाई तू बीमार है, तेरा टेम्परेचर कितना था तेरा? मैं जब जाता हूँ ना बीमार आदमी के पास, मैं नहीं पूछता तेरा तबियत कैसा है करके, कभी नहीं। नॉर्मली बात करता हूँ और निकल लेता हूँ वहां से। yes. ठीक है। अब बीमार आदमी के पास, अगर सपोज इमेजिन करो यहाँ पे, सपोज कहीं पे चोट आई यहाँ पे इस जगह पे, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, पूरे दिन भर में कम से कम 25 लोग पूछेंगे कहां से लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, आ रहा था तो लग गया, मत ही पूछो ना उसको। हाँ एक दो बार बहुत क्लोज लोग है तो पूछ लेते तो ठीक है, नहीं तो फिर उसका दिमाग लगेगा अब मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ कि देखूँ यहाँ कहाँ लगे मेरे को, है ना? Yes, yes, sir. ऐसा बस कोई स्कैन हो गया ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी, मतलब कभी भी ऐसे इवन पेड़, जैसे यहाँ पे मैं जीएस रहा था तो कई बार मेरे को यहाँ पे लग गया था एक बार पेड़, क्योंकि नीचे तक है, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे फुटपाथ पे पेड़ काफी नीचे तक झुके हुए हैं, तो एक बार यहाँ पे लग गया था तो सब लोग पूछे पड़े क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, अरे इधर इधर क्लासेस है मेरी। ठीक ओके, क्लास ऑफ करें अभी। यस यस सर। तो ज़ेन डायोड खत्म हो जाएगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्लिपर क्लैंपर एक बार मैं पढ़ाऊंगा बेटा, ज़ेन डायोड के खत्म होने के बाद, क्लिपर क्लैंपर का आइडिया देने के बाद, इसी असाइनमेंट में क्लिपर क्लैंपर भी है, तो क्लिपर क्लैंपर पढ़ेंगे क्लिपर क्लैंपर, और उसके बाद ना मैं सोच रहा हूँ बीजेटी स्टार्ट करूंगा, फिर बीजेटी खत्म होगा ना तो मैं सोच रहा हूँ फेट पढ़ा दूं या ओपैम पढ़ा दूं। ओपैम को सबसे लास्ट में इसलिए पढ़ाऊंगा मैं सोच रहा हूँ, फेट और ओपैम को, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम देंगे हम। ठीक है। यस सर। ठीक है, तो चलो फिर सर थोड़ा वो थेवेनिन नॉर्टन थोड़ा दिखा देंगे एक बार? थेवेनिन नॉर्टन तो पढ़ाया नहीं मैंने आज। नहीं नहीं मैं थोड़ा नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर मतलब किसी भी क्लास में थोड़ा डिस्कस कर देंगे तो अच्छा होता। वो अच्छा होगा बेटा, लेकिन थेवेनिन नॉर्टन के बिना भी आपका, थेवेनिन नॉर्टन जनरली गेट एग्जाम में पूछा, लेकिन बिना थेवेनिन नॉर्टन के पढ़ा दूंगा मैं। ओके सर। ठीक है, वो एक काइंड ऑफ रिडक्शन टेक्निक है, बट क्योंकि होता ही है ना आपका सिलेबस अभी पूरा, देखो अभी क्या क्या बचा हुआ है, क्लिपर क्लैंपर ओपैम्प, ओपैम्प बस बोलना ओपैम्प होता है, लेकिन ओपैम्प में सब कुछ, इतना सारा बड़ा टॉपिक है भाई, ओपैम्प उतना ही टाइम चलेगा जितना नेटवर्क थ्योरी चला आपका 20 घंटे, नेटवर्क थ्योरी और ओपैम्प बराबर है। यस सर। उसके बाद फिर फेट, उसके बाद फिर डिजिटल, फिर उसके बाद ए टू डी और डी टू ए में 6 घंटे टॉपिक है वो, समझ रहे हो, तब जाके yes, खत्म होगा। इट्स लाइक वेरी लॉन्ग सिलेबस, अब आप देख सकते हो सबसे ज्यादा क्लासेस तो मेरी लग रही है ना। यस सर। तो आप समझो। और एक और चीज है बेटा, देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, इधर देख लो, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज है वो 25 से लेकर 30 मार्क्स है आउट ऑफ 200। हाँ, और कट ऑफ मार्क्स कितना जाता है, लेट्स एक्सपेक्ट 100। अरे बोलो ना। यस सर। तो 25 नंबर आगे कॉपी को पढ़ने से, कॉपी ये जो असाइनमेंट है ना ये भी नहीं करना है, अगर आप क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हो बेटा ध्यान से सुनते रहना, क्वेश्चन लिखा आंसर सॉल्व किया, क्वेश्चन लिखा आंसर सॉल्व किया, अपने फेयर नोट्स में एक ही बार फेयर करो तो ना 25 से 30 नंबर यहीं से आ गए, बाकी 70 नंबर जुगाड़ो और जीआरएफ क्वालिफाई करो, हो गया बात खत्म। जीआरएफ क्वालिफाई करते वक्त कोई नहीं पूछेगा आपको कि भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में तेरे फुल मार्क्स क्यों है, कोई नहीं पूछेगा आपको कि भाई तेरे इलेक्ट्रॉनिक्स में फुल मार्क्स क्यों है, मेरे को क्यों करना है, मैं कुछ भी करूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में 40 नंबर लेके आऊं। ठीक है, तो जो जनरल वेटेज है ना वो 25 से लेकर 30 तक का है, फुल मार्क्स यहां लेके आओ, 70 मार्क्स कहीं और से जुगाड़ो, 100 मार्क्स में जीआरएफ हो जाएगा। 2016 में मैंने पहली बार बोला था, 2016 में पहली बार एक बैच में बोला था, तब लोग मेरे पे हंसते थे, मैंने बोला था 200 नंबर का पेपर है
ऐसे बोला था 200 नंबर का पेपर है गधो, 150 नंबर लेके नहीं आ पाते, इससे बेटर तो हम क्लास 12th में थे कि जब 100 नंबर का पेपर मैथमेटिक्स का होता था तो 98 से कम मिलता नहीं था, तो 12th क्लास में ज्यादा इंटेलिजेंट था। जब मैं बीएससी और एमएससी करने लगा तो मैं गधा हो गया, तब जाके मेरे 70 नंबर भी नहीं आ रहे 200 में से। तो क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, फिर खुद को एक बार रिप्लाई करो और आज की क्लास के बाद कि यार जब हम 12th में थे तो पूरा मैथमेटिक्स का पेपर, मैथ्स, मैं फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, तो पूरे मैथमेटिक्स के पेपर में अगर किसी बच्चे को 90 मिलता था तो रोता रहता था वो। यस सर, याद है वो दिन। हां, और जब पढ़े बीएससी करने लगे तो 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 50 नंबर भी क्रॉस नहीं हो रहे 200 में, कौन सी दुनिया में हो भाई, डूब मरो चुल्लू भर पानी में, 70 नंबर भी क्रॉस नहीं हो रहा हमारा। अरे यार कम से कम भाई 150 नंबर तक लेके आओ। फिर आप बोलो सर आपने क्या किया, है ना, बोलो मेरे को। आई गॉट 72 मार्क्स आउट ऑफ 100 इन गेट एग्जाम, ये इसके थ्रू आईआईटी मिला था, और लास्ट एग्जाम जो दिया था उसकी वजह से 74 मिला था आउट ऑफ 100, और यही जो रैंक था वो जाके 46 रैंक में कन्वर्ट हुआ ऑल ओवर इंडिया में। और अटेम्प्ट कितने का किया था पता है, मुझे याद है आज भी, 82 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था मैंने इसमें। ग्रेट सर। बस क्योंकि मैं क्या सोचा था पता है, मैं उसी को सॉल्व करूंगा जो मेरे को आता है, मेरे को नहीं आता उसको टच भी नहीं करूंगा, भाई ये तो नहीं आ रहा, चलो आगे चलते हैं। भाई जो जो आता है उसी को करोगे ना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप नहीं आता उसको भी पढ़ रहे हो, सपोज इमेजिन करो, अब मैंने सपोज इमेजिन करो मैं एग्जाम दे रहा हूँ और मेरे को पहला क्वेश्चन देखा, अरे अच्छा वेव फॉर्म है, ये तो क्लिपर है, टॉपिक तो कम से कम पता होगा, और क्लिपर तो मैंने पढ़ा नहीं है, छोड़ो जेनर डाउट, हाँ इसको सराहते पढ़ाया था। थर्ड वाला देखा मैंने, अच्छा ये तो क्लिपर है, नहीं पढ़ाया था, आगे आगे आगे, अच्छा क्लिपर, अच्छा फिफ्थ वाला डाउट है सर ने पढ़ाया था, उसी को अटेम्प्ट करूंगा मैं, अटेम्प्ट उसी को करूंगा जिसको पढ़ा हूं ना। Yes, sir. Yes, sir. तो फिर ये वाला मत बोला करो सर टाइम कम पड़ गया, किसने बोला था पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। खुद भी ए इसके लिए ट्राई करो, ठीक है बेटा, यू शुड ट्राई, यस सर, ट्राई फॉर दिस वन, ये। लेकिन हंसना मत मेरे पे, उन लोग भी हंसते थे, किन लोग, 2016-17 का जो बैच है वो हंसते थे। 17 या 18 में क्या हुआ था पता है, कट ऑफ कितना गया था पता है, मुझे याद है 95 मार्क्स जीआरएफ का, कुछ याद है ऐसे, कुछ कुछ याद आ रहा है, तब मैं हंस रहा था पूरी क्लास में। मेरे को मजा आया, मैं बोला अब आओ कभी हवेली पे। सर इलेक्ट्रॉनिक्स सर कब तक खत्म हो जाएगा पूरा, ये देखा आ गया एक नमूना। सर उसके लिए नहीं सर, मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं इसको, जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म हो गया ना चेहरे से स्माइल खत्म हो जाएगी, देख लेना। आपकी बात को अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक तक खत्म कर दूंगा मैं, फिर उसके बाद रोना, ठीक है सर। खत्म कब होगा, खत्म कब होगा, अरे भाई तू पढ़ाई कर, खत्म कब होगा लग पड़े, तू पढ़ाई कर, नॉलेज गेन कर। इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स कभी पढ़ा नहीं होगा, मुझे अच्छे से पता है, तो फील इलेक्ट्रॉनिक्स आराम से स्टडी करते रहो। यस सर। ठीक है भाई, मैं नहीं समझा सकता ठीक है। और मेरे को समझाना भी नहीं यार, मैं समझाता हूँ। इधर वाला देखो ना इसको, ये देखो इधर वाला देखो, मैं उनको बोलता था ना आप, हाँ रितु नाम से एक लड़की थी बेटा, रितु अभी याद आया मेरे को, ठीक है, वो यंगेस्ट पीएचडी डूइंग एस्पिरेंट्स है, और जिस दिन उसको 150 नंबर के आसपास बोला था ना, समझा, बोलो जल्दी सर, आपकी वॉइस कट गई थी, आवाज ही नहीं आया तो क्या समझेंगे, आवाज कट गई थी अभी आ रहा है। यस सर, मैसेज आ गया था इंटरनेट कनेक्शन। हाँ तो मैंने क्या बोला था, क्या गधो तुम लोग भी 120 नंबर लेके नहीं आ सकते आउट ऑफ 200। तो वो लड़की गई लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरी में जिस टेबल पे पढ़ती थी उसने 120 ही लिख दिया उसमें, ठीक है, इसकी सोच बड़ी अच्छी है। और उसके मार्क्स कितने आए थे पता है, ये ऐसे स्टूडेंट मेरे को अच्छे लगते हैं। और हंसो हंसो अभी उस पे हंसो और मेरे पे हंसो,
नो सर हाँ नहीं कुछ तो लोग होंगे ना हंसने वाले हमें क्या करना है हमें अपना काम करना है ठीक है यस सर मोटिवेशनल स्टोरी थी मैंने आपको बता दिया बाय 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 सो मच बाय बाय सर थैंक यू सर थैंक यू सर